आराम नायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छाया धारक कंधराय गिरजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दिशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं ब्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितवलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातम् नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिने सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अवधधाम की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आओ हम सब मिल करके अपने मानस को पावन पवित्र बनाने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में चलकर उन्हें निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प उनके श्री चरणारविंदों में समर्पित करें। ऐसा लगे कि हमारे गुरुदेव ही हमारे सन्मुख बैठ करके अनुग्रह भरी दृष्टि से हमें निहार रहे हैं। इन भावों को जीते हुए हम सब मिलकर के प्रेम से गुरु वंदना का पाठ करें, उसके बाद रामचरितमानस की पावन पवित्र भागीरथी में हम सब प्लावित हों। पहले श्री गुरु वंदना का पाठ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागूं बलिहारी गुरुआपने गोविंद दियो बता गोविंद दियो बता हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की जिए अधम आधीन अशरण अब शरण में जिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा मजदार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के
मझधार में आसरा है दूसरा, आसरा अब संसार में मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। जब तक न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है मुझ में है, जब तक न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, एक बाकी निलजता है एक बाकी, और सब अभिमान है मेरे गुरुदेव करो की। पाप बोझे से नदी नैया भवर में आ रही, पाप बोझे से नदी नैया भवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ
जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊं मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा जिए अदम आधीन अशरण अब शरण मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की सिंधु करुणा की सिंधु करुणा की। हे मेरे आराध्य देव, जन्म जन्म का भटका हुआ, विषयों में अटका हुआ यह पामर आपके श्री चरणारविंदों तक पहुंच गया है। बस बारंबार आपके श्री चरणारविंदों में हमारी यही प्रार्थना है, आपने जैसी अनोखी अनुग्रह भरी दृष्टि से निहारा है, बस आपकी करुणा भरी ममता भरी अनुग्रह दृष्टि आपकी यूं ही बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद भूदेव वृंद, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन को ही निहारता हुआ, उन्हीं की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के प्रयागराज की उस पावन पवित्र भूमि में चलें,
जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, अक्षय वट है, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र इस माघ मास के पावन पवित्र मास में आकर के विराजते हैं। प्रयाग का ही प्राय ही होता है जहां विशिष्ट विशिष्ट याग किए जाए। यहां कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का यज्ञ चलता रहता है। कारण क्या है कि यहां तीनों प्रकार की धाराएं सदा बहती रहती हैं। जितने भी भारत में तीर्थ हैं, प्रत्येक तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी गरिमा है। जैसे आप श्रीधाम वृंदावन जाओगे तो वहां भक्ति की महिमा है। हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे वहां ज्ञान की महिमा है। दक्षिण की नदियों के तट पर जाओगे तो वहां कर्म की महिमा है। कहीं कर्म के आधार पर आराधना होती है, कहीं भक्ति के आधार पर आराधना होती है, कहीं ज्ञान के आधार पर आराधना होती है। किंतु ये तीर्थ वर्ष ही प्रयागराज की एक महिमा कहें, यहां तीनों धाराएं बहती हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे विधि निषेध में कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदनी वरिणी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये तीनों धाराएं यहां बहती हैं, कर्म की धारा, भक्ति की धारा और ज्ञान की धारा। तीनों का यहां समागम है। बड़े बड़े महात्मा इस पवित्र मास पर आकर रहते हैं। एक महात्मा है जो सदा सर्वदा यहीं रहते हैं। कहां गया मामू? आज सेकंड ठीक नहीं माइक थी। इधर से जो आवाज ज्यादा है इधर कम है, इसको ठीक कराओ। नारायण 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 नारायण। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, तिनहीं राम पद अति अनुरागा। महात्मा श्री भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में निवास करते हैं और उनके अंतकरण में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में विशेष अनुराग है, विशेष प्रेम है। प्रत्येक वर्ष तो घटना ऐसी घटती थी, माघ मास के मास में बड़े बड़े संत महंत मंडलेश्वर सब आते थे। एक मास तक यहां बड़ा उत्सव होता था और उत्सव होने के बाद ये सब महात्मा अपने अपने स्थान को चले जाते थे। किंतु इस बार एक अद्भुत घटना घटी। याज्ञवल्क के नाम के महात्मा जब जाने लगे, विदा होकर के अपने अपने स्थान को सब संत चले गए थे, ये जब जाने लगे तो हमारे श्री भरद्वाज जी महाराज ने उनको बड़े प्रेम से रोक लिया। भरद्वाज राखे पद टेकी। बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, जब ये महात्मा जाने लगे तो हमारे श्री भरद्वाज जी महाराज ने उनके चरणों में सर रख दिया। हमारे एक संत कहते थे कि महात्मा दो जगह से बड़े कच्चे होते हैं। वैसे तो जितने बड़े लोग होते हैं ये दो जगह से कच्चे होते हैं। एक ये पैर से कच्चे होते हैं, दूसरे कान से कच्चे होते हैं। आप देख लीजिएगा समाज में जितने बड़े बड़े लोग हैं ये दो स्थान से कच्चे हैं।
कोई कान भर दे तब भी ये उसी के कहने पर चल पड़ेंगे, और कोई पैर पकड़ ले तो उसके आश्रित हो जाएंगे। भरद्वाज जी महाराज ने पैर पकड़ लिए कि महाराज अब आप जाइए मत, आप यही निवास कीजिए। आज ठीक नहीं आवाज इसकी, इधर तो बहुत तेज आवाज है और इधर कम है आवाज की, आज मिठास नहीं है बिल्कुल। स्पीकर ही फट गया है ये मोटर, ये बल्ब मोटर रखो उधर, उधर से आवाज बहुत कम है और इधर बहुत ज्यादा तेज आवाज है, इसकी कम करो, इसकी आवाज कम करो, अगर वो फट गया है ना तो फिर उसको हटा दो, और ये मॉनिटर पास रखो तो आवाज मिलेगी हमको। नारायण 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 नारायण, हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण 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 नारायण। उधर से मत दो, फिर दोनों मॉनिटर से दो हमको। क्या हुआ उस स्पीकर को, हुआ क्या? अच्छा अच्छा नारायण नारायण नारायण। वकील साहब कोई और आपके यहां हो तो मंगाओ, इसके इसके सारे स्पीकर खराब हैं, लाए हुए थे वो भी खराब थे। नारायण इसको थोड़ा कम करो, इस वाले को शायद कुछ ठीक हो, जितनी देर तक चलाते हैं हम। नारायण नारायण नारायण, और कम करो। नारायण 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 नारायण। एक ही तरफ से है पूरा, एकान भ्रष्ट हो जाएगा हमारा। हाँ ये वाला इधर तो नहीं जा सकता इधर, हाँ ये साइड तार दूसरा नहीं इनके पास, तो आप वकील साहब को बताओ ये बात। गड़ा 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 बताओ,
दोनों की दूरी बराबर करनी पड़ेगी। नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी आवाज ठीक कम करो, थोड़ा सुधार करो। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। जैसे पानी का स्वभाव है, वह नीचे की ओर बहता है जिधर उसका वाटर लेवल होता है, वैसे ज्ञान का भी प्रभाव यही है। जहां विनम्रता होती है, जहां समर्पण होता है, जहां प्रेम होता है, उधर ज्ञान बढ़ता है। गीता में गोविंद ने एक बड़ी रसीली बात कही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि हमारे अंतकरण में श्रद्धा का संचार नहीं है तो हमारे जीवन में ज्ञान का संचार नहीं हो सकता है। आप सब जानते हैं, कभी आपने श्रवण भी किया होगा, श्याम सुंदर की और हमारे अर्जुन की बड़ी मित्रता थी, दोनों में अद्भुत प्रेम था, विलक्षण प्रेम था। ऐसा प्रेम था कि श्याम सुंदर ने अपनी भगनी को, अपनी बहन को भी अर्जुन के साथ ब्याह दिया था, किंतु वही श्री कृष्ण ने जीवन में पहले कभी भी अर्जुन को किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते, किसी प्रकार का संदेश नहीं देते हैं। श्याम सुंदर ने उनको गीता सुनाई और गीता भी सुनाने का स्थान बड़ा अद्भुत चुना, वो भी रणांगन था, कोई सत्संग का वातावरण नहीं था। दोनों तरफ से सेनाएं लग गई हैं, संकट ध्वनि हो गई है, युद्ध की घोषणा हो गई है, और ऐसे दिव्य वातावरण में जहां अभी अस्त्र शस्त्रों की बौछार होने वाली है, और वारे वा श्री कृष्ण वहां पर उन्होंने गीता जैसा रसीला ग्रंथ सुना दिया। उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है? अगर श्याम सुंदर को गीता सुनानी ही थी तो कभी अपने मित्र को कह देते, चलो मित्र हम तुम्हें हरिद्वार ले चलते हैं, वहां एकांत गंगा के किनारे बैठ करके तुम्हें गीता सुनाएंगे, किंतु कभी नहीं कहा। और जिस समय श्याम सुंदर के शरीर की आयु लगभग 90 वर्ष की है, गीता भगवान ने 90 वर्ष की आयु में सुनाया है, 90 वर्ष की आयु की जिस समय है और रणांगन का वातावरण है, वहां पर गीता सुनाने का कारण यही है कि इसके पहले अर्जुन के जीवन में कभी शिष्यत्व तो नहीं आया था। अर्जुन ने जिस समय श्याम सुंदर के श्री चरणों को पकड़कर कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न, हम तुम्हारे शिष्य हैं और आपकी शरण में हैं, प्रपन्न हैं हम आपकी। और जो श्याम सुंदर ने देखा कि हमारे शिष्य बनकर के हमारे प्रपन्न हो गए, हमारी शरण में आ गए हैं, तो श्याम सुंदर ने असोच्यानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुंश्च गतासुंश्च नानुसोचन्ति पंडिता, गीता का उपदेश उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो यह निश्चित है कि ज्ञानी जन ज्ञान का दान उसी को देते हैं जिसके जीवन में श्रद्धा और समर्पण हो।
आज याज्ञवल्क महात्मा ने देख लिया कि भरद्वाज जी के चित्त में संतों के प्रति बहुत आदर है, महात्माओं के प्रति बहुत आदर है, और हमें भी प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क महात्मा के चरणों का प्रक्षालन किया, पवित्र आसन में बैठाला और उनकी विधिवत पूजा की, और हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र बन करके कहा कि महाराज, हमारे जीवन में एक संशय है, एक शंका है। ये जो शंका शब्द है, शंका उसका नाम है जो हमारी शांति को छिन्न भिन्न कर दे। संकर्णोति, जब कभी किसी विषय पर हमारे चित्त में शंका आती है तो निश्चित रूप से हमारी शांति चली जाती है। शांति को जो छिन्न भिन्न कर दे उसी का नाम संशय है, शंका है। और कहा कि मेरे चित्त में संशय है, आप भी करतल भेद तत्व सब तोरे। हे गुरुदेव, वेद के रहस्य आपके हाथों में है, अर्थात आप वेद के रहस्य को जानने वाले हैं। वैसे तो ये संशय की चर्चा करने में मुझे भय भी लगता है, लज्जा भी लगती है, और एक बात चित्त में और भी आती है, यदि संशय गुरुजनों के सामने नहीं व्यक्त करेंगे तो कहेंगे कहां। मैंने संतों के मुखारविंद से ये सुना है, वेदों में ये पढ़ा है कि निश्चित रूप से गुरुदेव के सामने अपने हृदयगत भावों को व्यक्त करना चाहिए। कल मैंने निवेदन किया था आप सबके सन्मुख, जैसे शरीर के रोगों को डॉक्टर के सामने छुपाना नहीं चाहिए, वैसे मन के रोगों को गुरुदेव के सामने छुपाना नहीं चाहिए। शरीर के रोगों का निदान करता है वैद्य डॉक्टर, और मन के रोगों की चिकित्सा करते हैं गुरुदेव। इसलिए रामचरितमानस में गुरु को भी वैद्य ही कहा गया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य है, और जब हम वैद्य के सामने अपने रोगों को छुपाएंगे तो वैद्य इलाज कैसे करेगा। ऐसे यदि गुरुजनों के चरणों में यदि बात हम अपनी छुपाएंगे, अपने मानस रोगों को हम छुपाएंगे, तो वह इलाज कैसे करेंगे। भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि यही विचार करके मैंने अपने हृदय के भाव आपके सामने रखने का विचार किया है। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में भगवान नाम की बहुत महिमा है। नाम की ऐसी महिमा है जो भगवान से भी काम न बने वो नाम से बन जाए। तुलसीदास जी महाराज ने तो कह दिया कि राम न सकहिं नाम गुण गाई। राम भी यदि अपने नाम की महिमा गाना चाहे तो पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। और इसी नाम के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मोक्ष दे देते हैं। और क्या वही राम राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहां पुत्र बनकर के उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अपने नारी के विरह में दुख पाया, बाद में नारी के हरण करने वाले के ऊपर क्रोध करके उसका वंश मिटा डाला। आप कृपा करके बताइए, जिस राम नाम की महिमा शास्त्रों में वर्णित है, भगवान शंकर जाप करते रहते हैं, वही राम अवधेश के लाल हैं,
वही राम वनवासी बने, उन्हीं राम की जानकी का अपहरण हुआ कि दोनों अलग अलग हैं? महाराज जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा, वैसे यदि ऐसा लगता है कि कई बार यदि हम निष्ठावान लोगों से प्रश्न पूछते हैं, मैं आज विचार कर रहा था ये तो भूमि बड़ी पवित्र भूमि है जहां ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार हम जो एक जगह निष्ठा से लगे हुए लोग हैं, जैसे ज्ञान निष्ठा में पगे हुए लोग, अगर उनसे यह प्रश्न किया जाता तो निश्चित रूप से वह कह देते कि राम तो जिनका नाम जपते हैं शंकर भगवान, वो निराकार हैं, और जो राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहां जन्म लिए थे वो तो मायापति हैं, माया से उन्होंने शरीर धारण किया था। किंतु भूमि की भी बड़ी महिमा होती है, भूमि में रहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से, मैं कई बार देखता हूं वृंदावन की भूमि का ऐसा महत्व है, वहां बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी विज्ञानी भी आकर के भक्त बन जाते हैं, वेदांत में रमण करने वाले महापुरुष भी, मत्सूदन सरस्वती जैसे महाभाग वृंदावन की गलियों में आकर के गुलाम बन गए गोविंद के, क्योंकि वहां की भूमि की महिमा है, भूमि की अद्भुत महिमा होती है, कौन सी भूमि में कौन सा कार्य करना चाहिए इसका भी एक अपना महत्व है, अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है। तो ये प्रयागराज की भूमि, यहां तीनों धाराएं बहती रहती हैं, इसलिए हमारे याज्ञवल्क महात्मा मुस्करा गए और मुस्करा करके भरद्वाज की ओर देख करके कहा कि तुम्हें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि जिनका नाम भगवान शंकर जपते हैं वही राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के सुपुत्र बनकर के आए, बात तुम्हें सब पता है, कि भगवान के भक्त होने के कारण हम तुम्हारी चतुरता जान गए, तो उनका चरित्र सुनना चाहते हो इसी ब्याज से। अमर ऋषि धाम वृंदावन में एक बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे तो बिहार के, किंतु श्रीधाम वृंदावन में रहते थे, ध्रुपद के बहुत अच्छे गायक थे। हमारे मित्र एक उनसे संगीत सीखने के लिए जाते थे, महात्मा थे, उनको मैं भागवत पढ़ाता था, तो कई बार मेरे से कहते थे कि महाराज जी चलो संगीत सभा में, मेरे को संगीत से उतना प्रेम नहीं था, किंतु मित्र के आग्रह के कारण कई बार मैं उनकी सभा में जाता था, और वहां तो निश्चित रूप से अलाप के द्वारा महाराज शास्त्रीय संगीत का ही गान होता था। एक दिन हमारे मित्र ने, वो जिन सज्जन से पढ़ते थे उनसे कहा कि महाराज ये राग कैसा है मुझे गाओ सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि आज हमारा मूड नहीं है सुनाने का, कुछ नहीं सुनाऊंगा, जो हमने पहले तुमको बताया है उसका तुम रियाज करते हो वो हमको दिखाओ सुनाओ। उन्होंने वही राग उठाया और राग उठा करके उसमें राग में दोष कर दिए, तीन चार बार उन्होंने जो चूक की वो संगीत सिखाने वाले गुरुदेव ने मुख बना करके उनको डांटते हुए कहा कि इतने दिन से तुम्हें सिखा रहा हूं किंतु तुम ये राग पकड़ नहीं पाए, और देखो मैं बताता हूं ये राग कैसे गाया जाता है, और महाराज उन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया। दो तीन भजन उसी राग में गाए बड़े भाव में डूब करके, और जब वो सभा पूरी हुई हम लोग चलने लगे तो हमारे मित्र महात्मा ने कहा कि देखो यदि हम जानबूझ करके गलती नहीं करते तो आज गुरुजी के मुख से राग सुनने को मिलने वाला नहीं था, हमने जानबूझ करके गलती की,
कि जब जानबूझ करके गलती होगी तो निश्चित रूप से उस विद्या के जानकार उनको लगेगा कि अरे हम कई बार देखते हैं कोई अच्छा गाड़ी चलाने वाला है उसको कहो गाड़ी चलाओ तो कहेगा अभी हमारा मूड नहीं है, और आप गाड़ी चलाने के लिए बैठो दो चार चूक करो इधर से उधर गाड़ी मोड़ दो गलत दिशा में ले जाओ तो डांट करके कहेगा चल पीछे बैठ मैं चलाता हूं तुझे चलाना नहीं आता है। तो जो जानकार लोग होते हैं निश्चित रूप से चूक करने पर वह अपनी विद्या का ध्यान देकर के वो बताना प्रारंभ कर देते हैं। तो श्री भरद्वाज जी महाराज ने जो अज्ञानी बनकर के प्रश्न पूछा, ऐसा नहीं कि श्री भरद्वाज जी महाराज राम की महिमा जानते नहीं है, नारायण कितने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं यहां तो उनको राम की महिमा का बोध नहीं है, उन्हें राम की महिमा का बोध है। वह अज्ञानी बनकर के इसलिए पूछ रहे हैं कि कम से कम इसी महाराज विधा के कारण गुरुदेव हमको सुनाएंगे, किंतु धन्य है श्री याज्ञवल्क महात्मा भी, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी चतुरता जान गए। क्या चतुरता जान गए? चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीन्हू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम का गुणगान सुनना चाहते हो, गूढ़ चरित्र है राम का, राम के गुण चरित्र को तुम सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे बिल्कुल मूढ़ हो अज्ञानी हो। नारायण कई बार इन गुरुजनों के संबोधन पर चित्त बलिहार हो जाता है। याज्ञवल्क महात्मा ने श्री भरद्वाज जी को इतने प्रेम से संबोधन दिया है, तात हे पुत्र सच कहें जो भगवत कथा के रसिक जन होते हैं जब किसी को प्रेम से कथा सुनते सुनते हैं देखते हैं तो लगता है कि सर्वस्व निछावर कर दो। ये हमारे आराध्य का चरित्र सुनना चाहता है। भरद्वाज जी महाराज पर बलिहार हो गए याज्ञवल्क, और बलिहार होकर के कहते हैं पुत्र सादर अपने मन को लगा करके सुनो राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। ये संसार कारण सचमुच में जो मोह है ये विशाल है। मोह का सीधा साधा अर्थ होता है कि मुंह बैचित्ते बंध जाना, जो बांध दे हमको। और कहे इस महामोह को नष्ट करने के लिए यदि कुछ कथा है तो हमारी ये राम कथा कालिका कराली कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। दोष ये कथा कालिका कराल है, किंतु वह प्रेमियों के लिए कथा कालिका कराल नहीं है। प्रेमियों के लिए ये चंद्र किरण है, शशि किरण समाना। कारण क्या है कि सूर्य किरणों में थोड़ा ताप तो होता है, प्रकाश के साथ साथ सूर्य में ताप है, किंतु जो संत जन है संत चरण है ये कथा उनको ताप नहीं देती है अपितु उन्हें जीवन को उनके जीवन को रसीला और बना देती है। जैसे पूर्णिमा के चांद पर महाराज चांद के प्रकाश में बैठकर आप प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे संत चरण जो हमारे हैं वो चकोर बनकर के, चांद का प्रेमी चकोर होता है और वह चांद से मिलने के लिए जो जो यत्न करता है आप लोग जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा प्रेमी आपने शायद दुनिया में सुना हो ना हो, अब तो भारत में चकोर नाम के पक्षी भी बहुत कम मिलते हैं देखने को। यहां शायद कोई ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने चकोर का दर्शन किया हो,
वैसे तो पाकिस्तान का वह राष्ट्रीय पक्षी है, पाकिस्तान में कई प्रांतों में वह बहुत प्रचुर मात्रा में वो पक्षी हैं, और उस पक्षी की विशेषता होती है कि जब चांद चंद्र का उदय होता है तो चंद्र उदय के बाद वह किसी की ओर कभी निहारता नहीं, केवल चांद को निहारता रहता है। किसी प्रेमी की विलक्षणता का वर्णन करना हो, उसकी एक निष्ठा का वर्णन करना हो, तो संत कहते हैं ये चकोर जैसा प्रेमी है। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, और पढ़ने के साथ साथ वह प्रयोग भी मैंने किया। शास्त्रों में मैंने पढ़ा था कि चकोर बहुत प्रेम से अंगारा खाता है, अगर उसके सामने अंगारा डाल दिया जाए, कोयला डाल दिया जाए, तब तो कोयला तो ऐसे झपटता है जैसे जन्म जन्म का भूखा हो। और मैंने नेपाल में जब पहली बार कथा के समय पर चकोर पक्षी को देखा तो अग्नि खिलाकर उसको देखा भी, सच में ऐसे झपटता है जैसे जन्म जन्म का भूखा हो। हमारे विद्वानों ने कहा कि वो कोयला क्यों खाता है, अंगारा क्यों खाता है, तो कहा किसी ने चकोर से पूछ दिया कि अरे चकोर तू इतना जलता हुआ दहकता हुआ अंगारा क्यों खाता है, क्या कारण है इसके पीछे। चकोर ने कहा इस शरीर को दग्ध करने के लिए खाता हूं, अगर ये अंगारा खा करके हमारा शरीर दग्ध हो जाएगा तो दग्ध होने के बाद ये शरीर की जब राख पड़ी होगी, और भगवान आशुतोष मुर्दे की राख से प्रेम रखते हैं, अगर घूमते हुए आकर के कहीं हमारे शरीर की राख से अपना श्रृंगार करने लगे, और यदि वह श्रृंगार करने लगेंगे उनके हाथ में लगी हुई राख मस्तिष्क की ओर बढ़ेगी, और मस्तिष्क में हमारा प्रीतम रहता है तो हम कम से कम अपने शरीर को जला करके अपने प्रीतम से मिल तो जाएंगे। ये प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा, अगर हम जीते जी नहीं मिल सकते तो कम से कम मर करके तो मिले प्रीतम से। सच में संतों का भी प्रेम चकोर के समान ही है। कथा से मैंने तो महाराज श्रीधाम वृंदावन में लीला देखी भी है, कितने संत ऐसे हैं कि कौन कथा कहने वाला है वो ये नहीं देखते हैं, कैसी कथा कही जा रही ये भी नहीं देखते हैं, जहां कथा होने लगती है वह सब दौड़ दौड़ करके वहां कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा तो शशि किरण के समान है, और हमारे संतों का प्रेम चकोर के समान है, जैसे चकोर चांद से प्रेम करता है वैसे ये संत भगवत कथा से प्रेम करते हैं। और हमारे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। हे भरद्वाज, जैसे आज आपने प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न कभी मां मा जगदम्बा भवानी ने किया था, और भगवान शंकर ने इसका वर्णन किया था। अब वह हम संवाद आपके सामने याज्ञवल्क महात्मा कहते हैं अपनी मति के अनुसार मैं सुनाऊंगा, और महाराज इन्होंने सुनाना प्रारंभ कर दिया। भरद्वाज जी महात्मा कहते हैं एक बार त्रेता युग माही संभु गए कुंभज ऋषिपाही। एक बार त्रेता काल की बात है, त्रेता युग की, भगवान शंकर कुंभज महात्मा के पास कथा सुनने के लिए गए, अगस्त महात्मा के पास ये कथा श्रवण करने के लिए गए। तो भगवान शंकर, ध्यान देने लायक बात यह है कि अकेले नहीं गए, साथ में भगवती को भी लेकर के गए। आज हमारे सुभाष जी बड़े बढ़िया बात कहे, उस संयोग से मई में कुंभ में कथा है, और अप्रैल में
कथा है सुक्ताल में जहां सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी कथा, तो मैंने कहा कि मई वाली कथा में आ जाना। कुंभ वाली में तो बोले मनोज ने कहा है सुक्ताल वाली कथा में आओ, तो हम किस में आए, तो हमने कहा दोनों में आ जाओ। तो बोले कहा तो मनोज से कि इन दोस्तों में बच्चों के कुछ पेपर आदि होंगे अप्रैल में, कैसे निकलेंगे, तो कहा अकेले आ जाओ, पत्नी को मत लाओ। उन्होंने कहा कि मैं जिनका चेला हूं, जिनके माध्यम से मैं गुरुजी से मिला हूं, वो हमको कहते हैं कि कभी भी कथा सुनने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, पत्नी को भी साथ लेकर जाना चाहिए। और सच में बात भी सच्ची है, अगर आप अकेले कथा सुनने के लिए आओगे तो हानि भी है। क्या हानि है, घटना में सुनाता हूं आपको। वैसे तो जीवन जैसे उत्तरार्ध की ओर बढ़ने लगे तो धर्मार्थ में दोनों को साथ बढ़ना चाहिए। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, जब जानकी का परित्याग श्री राघवेंद्र सरकार ने कर दिया, उसके बाद भी यज्ञ किए बड़े बड़े राम जी ने। अब यज्ञ में बिना धर्मपत्नी के यज्ञ कैसे हो, तो वशिष्ठ जी महाराज ने जानकी सोने की बनवाई, और सोने की बनवाकर जानकी और उसके राम जी के साथ बैठाल करके फिर यज्ञ पूरे किए गए। ऐसे कृत्य में तो धर्मपत्नी की आवश्यकता है ही, और दूसरी बात यह है कि धर्मपत्नी अगर कथा सुनने में नहीं जाएगी तो और गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा थे श्री गदाधर भट्ट जी, बहुत अद्भुत कथावाचक थे, बड़े अद्भुत रसीले वक्ता थे, और जितने बड़े वो वक्ता थे उतने बड़े ही वो संत भी थे। सदा सर्वदा अपने हाथ में माला झोली लेकर के बैठते थे, जो समय कथा का है उस समय कथा करते थे। मथुरा के पास एक जगह धोरोरा है, उस समय वहां राजा का किला था, और राजा को यह पता चला कि गदाधर भट्ट जी महाराज बड़ी रसीली कथा करते हैं, तो गदाधर भट्ट जी महाराज उनकी कथा में रोज जाने लगे। अब महाराज कथा में इतना उनको आनंद आने लगा कि जिस समय कथा का समय होता था उस समय वहां पहुंच जाए। कई बार पत्नी ने कुछ कहा तो उस समय कुछ सुनते ही नहीं थे, रानी की कुछ भी नहीं सुनते थे। रानी घबरा गई कि लगता है महात्मा जी के चक्कर में ज्यादा पड़े तो कहीं महात्मा न बन जाए। घबराहट तो होगी, आप अकेले अकेले कथा सुनने के लिए जाओगे, कभी हरिद्वार कभी ऋषिकेश कभी वृंदावन, तो घरवाली को डर तो लगेगा कहीं बाबा जी ना बन जाए। तो वो देवी को भी डर लगा, और डर लगने के बाद उसने बहुत मना किया कि तुम्हारा जी एक बात कहूं आपको, ये सचमुच में यदि कथा सुनने का यदि आपको व्यसन हो जाएगा तो फिर दूसरा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। एक बार ये कथा जब जिस किसी को पकड़ लेती है तो फिर ये छोड़ती नहीं है, और ऐसा रस देती कि मैं तो आपको कैसे समझाऊं उस रस को, आप लोगे तब पता चलेगा। इसलिए संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्होंने भगवान की कथा सुनकर जिनको तृप्ति हो गई, समझ जाइएगा उन्होंने राम कथा का रस मिला ही नहीं उनको। ये रस कभी परिपूर्ण नहीं होता है, और मिले और मिले और मिले, इसकी प्यास बढ़ती ही जाती है इस रस की। रानी ने बहुत प्रयास किया किंतु राजा कथा में जाते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। एक दिन नारायण कथा चल रही थी, जैसे आप लोग यहां बैठ करके सुन रहे हैं, पूज्य श्री गदाधर भट्ट जी कथा सुना रहे थे। इतने में एक सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई कथा के मध्य में, और खड़ी होकर के चिल्ला करके बोली, ओ महात्मा जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कथा में, किंतु ये तुम्हारा पाप हम कहां छुपाएं, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, कहां जाऊं। अब तुम्हारा पूरे कथा में सन्नाटा छा गया,
कि विरक्त महात्मा और ये कैसे क्या हुआ कुछ समझ में ना। स्त्री भी बड़ी सुंदर थी, गर्भवती भी दिख रही थी। महात्मा जी के चेहरे में कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई भय भी नहीं हुआ और मुस्कुराकर हाथ जोड़ करके बोले कि देवी हमारी श्री किशोरी जी सब पर कृपा करती है, तुम यही वृंदावन में रहो और वृंदावन में भजन करो, तुम्हारे ऊपर किशोरी जी की खूब कृपा होगी। और इतना कह करके कथा बढ़ा दिया उन्होंने। जो प्रसंग सुना रहे थे वो अपना प्रसंग सुनाने लगे, किंतु मथुरा के एक चतुर्वेदी थे जो बहुत वर्षों से पूज्य महाराज जी के पास आते थे और महाराज जी के बहुत अंतरंग थे। उनको पता था कि महाराज जी कभी चरित्र के साथ समझौता नहीं करते हैं और इस स्त्री को आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। महाराज जो कथा में अंत में जय जयकार होने लगा आरती के बाद, वो चतुर्वेदी जी उस स्त्री का हाथ पकड़े और एकांत में ले जाकर के डांट करके बोले तू है कौन और कहां से आई है, पूज्य महाराज जी को इस प्रकार से क्यों बदनाम करना चाहती है। तो पहले तो उसने कहा कि मैं इन्हीं की शिष्या हूं, इनके साथ रहती हूं। डांट करके बोला कि तुमको हमने कभी नहीं देखा, मैं 40 साल से आ रहा हूं। और महाराज पहलवान थे, एक लगाया उसको तो कांपने लगी वो। तब तक वो धौरारा के राजा जी भी आ गए, जहां ये घटना घट रही थी वो भी देखने के लिए आए। तो उसको मथुरा के चतुर्वेदी को डांटा कि किसी स्त्री पर अत्याचार करना ठीक नहीं है, तुम इसको मार क्यों रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं इसकी सच्चाई जानना चाहता हूं। राजा ने जब उसका पक्ष लिया तो कांपने लगी और हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं जयपुर की एक वैश्या हूं और धौरारे की जो राजा हैं उनकी रानी ने हमको बुलवाया है। और उन्होंने तुरंत असरफियां बांध रखे थे, बोले असरफियां उन्होंने दिया है इस काम करने के लिए। और मैं तो न ये महात्मा को जानती हूं न कभी वृंदावन आई। महाराज इतना सुना तो राजा के काटो तो खून नहीं, आंखों में आंसू आ गए कि इस दुष्टा ने हमारे गुरुजन को बदनाम किया, मेरे ऊपर कोई इसकी नहीं चली तो इसने ये प्रयोग कर डाला। और कुपित होकर के महाराज उसको तो कहा इसको जेल में डालो और स्वयं विचार करके सोचे कि आज जाकर उसकी गर्दन काट देंगे, उसके लिए मृत्युदंड के अलावा कोई दूसरा दंड नहीं है। किंतु शायद इसी का नाम साधु है, पूज्य गदाधर भट्ट ने राजा को डांट लगाई और डांट लगा करके कहा कि ना अपराधी ये वैश्या है ना अपराधिनी तुम्हारी रानी है, यदि अपराधी हो तो तुम अपराधी हो, तुम अपने को क्या दंड दोगे। राजा तो आश्चर्यचकित रह गए, मैंने क्या अपराध किया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं है, अभिन्न निमित्तोपादान संसार में परमात्मा छुपा हुआ है, तो क्या इस स्त्री से अलग है। अगर उसने आरोप लगाया तो हमको स्वीकार है क्योंकि हमारे ठाकुर के द्वारा लगाया गया है, कहीं ना कहीं अपराध हुआ होगा। और रही बात तुम्हारी, जो रानी को तुम दंड देना चाहते हो तो अपराधी तुम इसलिए हो कि तुम उसके पति हो और पति शब्द का अर्थ होता है पाति इति पति, जो रक्षा करे। तो केवल संसार के से नहीं, काम से भी, क्रोध से भी, लोभ से भी, मोह से भी और संसार के पतन से भी, उसका कहीं संसार में पतन न हो जाए। अगर तुम उसको कथा में लाते होते तो आज उसकी मति सुधर गई होती, वो ऐसा व्यवहार नहीं करती। तुमको लगता था कि कथा में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम कथा में लाए ही नहीं। तुमको ये डर लगता था कि कहीं हम संत से मिलाएंगे तो हमारी शिकायत कर देगी,
या कुछ कर देंगी, अरे पता नहीं कब किससे मिलकर किसका क्या सुधार हो जाए, कुछ पता नहीं है। हमारा सोचते हैं ये कभी नहीं सुधरेगा, किंतु हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। कई बार महाराज ऐसे ऐसे लोग सुधर जाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कहां से कैसे चित्त में परिवर्तन हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये महात्मा कुंभज के पास भगवान शंकर गए, किंतु अकेले नहीं गए। और निश्चित रूप से घटना कोई पहले बात नहीं घटी होगी भगवान शंकर के साथ, क्योंकि जिनको कथा से प्रेम होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई सुनाने वाला मिलता है तो सुनने लगते हैं, और कोई सुनने वाला मिलता है तो सुनाने लगते हैं। पुराणों में वर्णन है सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का, ये चार भाई सदा साथ रहते हैं और चारों भाई सत्संग करते हैं। इनको न पंडाल की जरूरत होती है, न माइक की जरूरत होती है। एक भाई कथा करता है और तीन भाई बैठ करके सुन लेते हैं। ये ढंग का उनके कथा का क्रम चलता है। एक बार ये चारों भाई बैठ करके सत्संग कर रहे थे, भगवान शंकर आए, साथ में भगवती भी आई। इस सत्संग में इतने लीन रहे कि उनको भान ही नहीं हुआ कौन आया कौन गया। तो भगवती को क्रोध आ गया कि हम लोग आए और महात्माओं ने सम्मान भी नहीं किया। तो भगवती ने क्रोध करके कह दिया कि जाओ तुम चारों ऊंट बन जाओ। ऊंट एक बार बैठ जाता है तो उठने में उसको तकलीफ होती, जाओ ऊंट बनो। चारों महात्मा महाराज ऊंट बन गए। भगवान शंकर को यह बात अच्छी तो नहीं लगी, उनको लगा कि भगवती ने ठीक नहीं किया, किंतु विरोध उन्होंने भी नहीं किया। कुछ वर्षों के बाद कहा कि भगवती चलो उन महात्माओं से मिल करके आते हैं, देखें कैसी दिनचर्या है उनकी। गए तो महाराज राजस्थान में एक वृक्ष के नीचे वो खड़े हुए थे। भगवान शंकर ने जाकर के प्रणाम करके कहा महात्मा उस समय कैसे बीत रहा है, ऊंट बने थे। तो चारों ने कहा कि महाराज बड़ी कृपा की माने, इतनी कृपा की माने कि उस कृपा का हम वर्णन भी नहीं कर सकते। जब मनुष्य शरीर में थे ना, तो शौच क्रिया करने के बाद स्नान भी करना पड़ता था, भजन आदि करने के पहले और क्रियाएं करनी पड़ती थी, किंतु जब से ऊंट बन गया हूं सब खड़े खड़े कर लेता हूं, किसी में समय खराब नहीं होता है, न स्नान की आवश्यकता है न शौच क्रिया की आवश्यकता है, सब खड़े खड़े हो जाता है। तो जो अन्य चीजों में समय खराब होता था वो आप सत्संग में लगा रहा हूं, चिंतन में लगा रहा हूं। ये अनुकूल व्याख्या है। तुरंत मैं निवेदन कर रहा था कि जिन्हें कथा प्रिय है, जिन्हें सत्संग प्रिय है, जिन्हें आराधना प्रिय है, जिन्हें साधना प्रिय है, वो कहीं न कहीं से अपना समय निकाल लेते हैं सत्संग का। हमने देखा है जो व्यसन करने वाले लोग होते ना, अभी हमारे साथ जो ड्राइवर लेकर के हमको कटनी से आया, तो पहले तो उसने विचार किया था कि बाबा जी मेरी गाड़ी में न बैठे तो हम फ्री रहेंगे। तो उसने कहा कि पीछे वाली गाड़ी नई है उसमें बैठो, उसमें हमारा आसन भी बिछा दिया और मैं बैठ भी उसमें गया। बाद में हमारे चेलों ने कहा गुरुजी वही गाड़ी ठीक है उसमें बैठो, तो उसमें बैठ गए। तो हमने देखा कि वो तमाकू खाता था, संस्कारी परिवार का बालक रहा होगा, ड्राइविंग लाइन में आ गया तो उसको लगता था कि महात्मा जी के सामने तमाकू कैसे खाएं। अब जिनको व्यसन होता है वो बेचारे बिना व्यसन किए रह नहीं सकते। बालक बहुत अच्छा था, ऐसे कम ड्राइवर होते महाराज, पूरे सफर में कुछ बोला ही नहीं, वो जितना पूछा उतने बोला, किंतु मैं देखता था उसको कि अब वो गाड़ी तो रोका नहीं, किंतु खाना होता तो हमारा तमाकू निकाल करके एक हाथ से गाड़ी चलाता था, एक ही हाथ से ऐसे घिसता था, और हमारी दृष्टि इधर उधर हो तो तुरंत फंकी मार लेता था। जब मेरी दृष्टि गई तो हमने कहा कि श्रवणानंद
लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमको भजन करने का समय नहीं मिलता, हमको साधन करने का समय नहीं मिलता। ये व्यसनी ऐसे वातावरण में भी अपना व्यसन कर लेता है। ऐसे ही यदि हमको भगवत भजन का, सत्संग का व्यसन हो जाए तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं समय। ये जो लोग कहते हैं ना हमको भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता है या मरने की फुर्सत नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। अगर हमारे चित्त में कहीं प्रेम है, मैं उसको कई बार, क्योंकि अपने राम की सूक्ष्म वृत्ति है, तुरंत पहचान लेते, मैंने रोका भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ड्राइवर को व्यसन नहीं करेगा, उसका अभ्यास में तो गड़बड़ाएगा, निद्रा आएगी, 10-12 घंटे लगातार गाड़ी चलानी है उसको। उस दिन मेरे बात में, एक चित्त में बात आई, ऐसी जो प्रेमी होते हैं महाराज, वो अपना चाहे कितना व्यस्त समय हो वो कहीं ना कहीं कथा के लिए निकाल लेते हैं। और ये आज अकेले नहीं आए भगवान शंकर, हमारे याज्ञवल्क महात्मा कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी। हमारी माताएं तीन रूप में सुशोभित होती हैं, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और मां के रूप में। इनकी तीन में शोभा है। पहले वह बेटी बने, फिर वह योग्य पत्नी बने, फिर मां बने। तो भगवती के तीनों रूपों का यहां वर्णन कर दिया गया। ये संग सती, सती बेटी के रूप में वर्णन है, का नाम सती था, दक्ष की बेटी। और जग जननी, ये मां के रूप में है, और भवानी भगवान शंकर की अर्धांगनी। हमको लगता है किसी स्त्री के लिए इतनी, इससे बढ़िया उपमा और कुछ नहीं दी जा सकती है। अथवा किसी स्त्री के गौरव को बढ़ाना हो, किसी स्त्री की महिमा को बढ़ाना हो, तो लोग बड़े आदर के साथ कहते हैं कि हमारी स्त्री सती है। ये सती वाक्य में सब कुछ आ गया, हमारी स्त्री सती है। अब एक सज्जन ने हमको आकर के कहा कि महाराज जी, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि जो हमको पत्नी मिली है वो सती है, हमारे अतिरिक्त आज तक उसने कहीं इधर उधर निहारा नहीं। हमको लगा कि देखिए गौरव है उसका, प्रशंसा हो रही उसकी। हमारे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने इतना सम्मान दे दिया इस देवी को कि ये सती हैं और जग जननी है, सारे संसार की जगत की मां है ये, संपूर्ण जगत की मां, और भगवान शंकर की अर्धांगनी है। हमारे ऋषि अगस्त ने देखा कि ऐसे हमारे यहां आतिथ्य स्वीकार किया है उन्होंने, सारे जगत के ईश्वर समझ करके, अखिलेश्वर समझ करके, और महाराज उन्होंने उनकी पूजा की। यहां विस्तार तो नहीं है, चरण धोए उनके, माला पहनाया, निरार्जन किया, और जब वो बैठ गए तो आए किस लिए हैं, पूछा महाराज क्या सेवा करें, बोले आप हमको भगवान राम की कथा सुनाओ, हम कथा सुनने आए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महात्मा अगस्त ने राघव की कथा सुनाई और कथा सुना करके महाराज परम आनंद को प्राप्त हुए और कथा की दक्षिणा भी दी। देखो ध्यान रखना, विद्या कई प्रकार से मिलती है हमको। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुदेव की सेवा करके हम विद्या प्राप्त करें, अथवा शुल्केन विद्या, धन देकर के विद्या प्राप्त करें, अथवा विद्या विद्या, उन्होंने हमको कुछ सुनाया है, विद्या दी, हम उनको कुछ सुना दे, हो गया काम। भगवान शंकर को इन्होंने राम कथा सुनाई और भगवान शंकर ने महाराज इनको भगवान की भक्ति की महिमा बताई।
क्योंकि भक्ति के आचार्यों में भगवान शंकर भी आचार्य, भक्ति के 12 आचार्य हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर वैया सकिर वयम। धर्मराज ने बात कही कि मैं 12 आचार्य हूं भक्ति का, और इन 12 आचार्यों में एक आचार्य है नारायण भगवान शंकर भी, परम भागवत है भगवान शंकर, भक्ति के आचार्य हैं भगवान शंकर। अगस्त ऋषि के पूछे जाने के बाद महाराज उन्होंने दिव्य ढंग से भगवत भक्ति की महिमा गाई, और कुछ दिन अभिप्राय यह था कि कथा सुनाते थे कुंभज महात्मा और भगवान शंकर नारायण भक्ति की महिमा गाते थे। मानो 3 घंटे तक बैठ करके कुंभज महात्मा ने कथा सुनाई, उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट में कथा का सार भक्ति सर्वस्व हमारे भगवान शंकर ने सुना दिया, और कुछ दिन वहां रहे, और बाद में भगवान शंकर विदा मान करके चल पड़े। बड़ा विलक्षण है, जब महाराज ये कथा सुनने आई थी ना मां, तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जो उनको उपमा दी थी बहुत अद्भुत थी। जब कथा सुनने के लिए गई तो बोले संग सती जग जननी भवानी, और जब यहां से जाने लगी तो सारी विशेषताएं छीन ली। अब ये महात्मा जी हमारे जगत जननी नहीं कहते हैं, ना महाराज जगत जननी कहा ना भवानी कहा, क्योंकि उनको पता है कि अभी थोड़ी देर के बाद घटना ऐसी घटने वाली है कि ना ये भवानी रह जाएंगी और ना ये जगत जननी रह जाएंगी, केवल ये दक्ष कुमारी रह जाएंगी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मैं निवेदन कर दूं नारायण, बचपन में जो भी संस्कार बहनों को मिले हूं अपने माता पिता के यहां, उसके आधार पर संस्कारित हो जाने के बाद भी जहां पाणि ग्रहण संस्कार हो जाए, वहां की जो कुल परंपरा हो उसी परंपरा के आधार पर अपने को ढाल लेना चाहिए। अगर हम अपने ही परिवार के अपने माता पिता की ही अलापते रहे राग और उनकी महिमा ही गाते रहे कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारी मां ऐसी थी, हमारा भाई ऐसा था, मेरे घर में धन इतना था, पता नहीं किस दुर्भाग्य से हम ब्याह दी गई इस घर में, तो जो बेटियां केवल अपने घर का ही राग रागती रहती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्याह हो जाने के बाद अभी लगता है वो कुंवारी ही हैं, क्योंकि पति के घर का कोई रंग उन पर चढ़ा ही नहीं, पति के घर के कोई संस्कार उन पर चढ़े ही नहीं। भगवान शंकर के साथ इतने दिन तक रहने के बाद लगता है कि सती पर कोई महाराज रंग नहीं चढ़ा, इसलिए हमारे याज्ञवल्क महात्मा ने कह दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े, साथ में भवानी नहीं है इस समय, दक्ष कुमारी है। महाराज घटना वही थी उस समय की जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार दुष्टों के दलन करने के लिए राघव के रूप में अवतरित हुए थे, और पिता की आज्ञा मानकर के वनवासी बनकर के दंडक वन में आए थे। ये दंडकारण्य, एक घटना दंडकारण्य की है। दंडकारण्य की बड़ी विलक्षणता है नारायण, ये वन की, ये वन ऐसा है थोड़ा सजग रहना चाहिए इस वन में। इस वन ने भगवान शंकर से सती को अलग कर दिया, इस वन ने जानकी को राम जी से अलग कर दिया। ये जो वन है बड़ा खतरनाक वन है, और आप लोग भी सजग नहीं रहेंगे अगर इस वन में गए कहीं से, तो निश्चित रूप से जाओ आपके सगे संबंधी आपसे दूर हो जाएंगे।
ये वन है कौन सा? हमारे यहां रामचरितमानस में जितने पात्र हैं उन पात्रों के भी नाम हैं, और पात्रों के जहां जहां भगवान गए हैं उन स्थानों के नाम हैं, और नामों का आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये दंडकारण्य को संशय का वन माना है, ये दंडकारण्य को संशय का वन माना है। जहां दो लोगों के बीच में संशय आ जाएगा, आज जितने सब विच्छेद होते हैं संशय के कारण होते हैं, तो यदि आप रामचरितमानस सुनते हैं तो संशय से थोड़ा बचकर रहिएगा। जब भी आपके अंतःकरण में कहीं संशय का प्रवेश होने लगे तो सजग हो जाइएगा, विचार कीजिएगा। और दोनों गजब की बात है, श्री राम जी और जानकी भी शाश्वत दंपत्ति हैं। भगवान शंकर और भगवती पार्वती सती ये शाश्वत दंपत्ति हैं, ये कभी ना अलग होने वाले दंपत्ति हैं। जो कभी ना अलग होने वाले दंपत्ति भी वहां महाराज ये दंडकारण्य में जाने के बाद दोनों के बीच में अलगाव हो गया, दोनों के बीच में विच्छेद हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। मैं निवेदन कर दूं, भगवती के जो सती के अलग होने का कारण है वो कथा सावधानी से न सुनने के कारण है। अगर उन्होंने कथा सुनी होती तो निश्चित रूप से कभी अलगाव का हेतु ही नहीं बनता। कई बार हम लोग नारायण कथा में तो बैठते हैं किंतु कथा हमारे में नहीं बैठती है। बहुत आवश्यक है कि कथा में हम बैठें, कथा हमारे में बैठे। मैं तो बहुत ध्यान देता हूं, ये अध्यात्म संबंधी जो कथाएं होती हैं कोई हंसी मजाक के लिए नहीं है, ना ये टाइम पास है कि टाइम पास करना है, चलो कथा हो रही हो आप थोड़ी देर ठुमका लगा लेंगे, थोड़ी देर कुछ सुन लेंगे, थोड़ी देर हंस लेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आप इसमें सावधान होकर, इसको पीने की कथा है, ये जीने की कथा है, इस कथा को सावधान होकर के पीना चाहिए। मैं तो आश्चर्य तक चकित तब रहता हूं जब आयोजक लोग कथा करवाते हैं, परिणाम तो भागवत की कथा ज्यादा करते हैं, महीने में तीन भागवत तो अपने नाम करते ही करते हैं। तो जब आयोजक लोग कथा करवाते और कथा करने के बाद लास्ट के दिन उनके परिवार में जो बड़ा पठित लिखित होता है, थोड़ा बोलने में कुशल होता है, आभार ज्ञापन के लिए उसके हाथ में माइक दिया जाता है, और वो माइक लेकर के आभार ज्ञापन करता है कि स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा की, सात दिन आकर के हमको गीता की कथा बहुत अच्छी सुनाई, गीता की कथा बहुत अच्छी सुनाई। तो मैं सर पीटता हूं कि सात दिन तक मैंने इस बाबरे को कथा सुनाई, यही नहीं समझा पाया कि गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत फर्क है, दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। तो अभिप्राय क्या है कि वो कथा में तो बैठे थे किंतु कथा उनमें बैठी ही नहीं। तो आवश्यक इस बात की है कि यदि हम कथा में बैठते हैं तो कथा भी हमारे में बैठनी चाहिए। अगर कथा हमारे में बैठ जाएगी तो निश्चित रूप से हम संशय हमारे बीच में नहीं रहेगा। अब जरा विचार कीजिए, भगवान यदि वनवासी बनकर के गए हैं और जानकी के विरह में, क्योंकि रावण ने उस समय जानकी का अपहरण कर लिया है, तो श्री राघवेंद्र सरकार कैसे विरही बनकर के रो रहे हैं। महाराज उस रुदन को मैंने तो रामचरितमानस में यहां तो इतना वर्णन नहीं है, हनुमान जी महाराज के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है हनुमान नाटक, हनुमान नाटक में तो महाराज ऐसा कारुणिक वर्णन है, उसी की थोड़ी छाप तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा में लिया है। ए खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां वृक्षों से, पक्षियों से, लताओं से, गुलमों से,
सबसे राघव पूछ रहे हैं बिलख बिलख करके, तुमने जानकी को देखा है, तुमने हमारी प्राणवल्लभा को देखा है, तुमने हमारे जीवन को देखा है, तुमने हमारे हृदयेश्वरी को देखा है, एक एक से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। और महाराज उस समय से जब हमारे भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी, शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। तुलसीदास जी महाराज के मन में एक डर है, और डर क्या है? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान शंकर के चित्त में एक डर है। क्या, कौन सा डर था? डर यह था कि इस समय भगवान रो रहे हैं और मैं वहां जाऊंगा तो भगवान तो नरलीला कर रहे हैं, और नरलीला में क्या होगा कि हम जाकर के प्रणाम करेंगे, जो पहचानेंगे तो संयोग से पोल पट्टी खुल जाएगी, भगवान रोना बंद कर देंगे और उनके अभिनय में निश्चित रूप से विघ्न पड़ेगा। एक तो डर है ये कि वहां जाएंगे तो अभिनय में विघ्न पड़ जाएगा, और आंखें तड़प रही हैं कि बिना दर्शन किए अब कैसे जाए, इतने समीप आ गए हैं, तो इनको पी करके ही चले, इनको निहार करके ही चले, इनको लोचन लालची। ये लोचन लालची क्यों प्रयोग किया गया? मानो दर्शन तो हो गए हैं किंतु दर्शन की तृप्ति नहीं मिली है। लालची कौन होता है कि धन हो किंतु धन के बाद तृप्ति न मिले, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना जितना धन बढ़ता है उतना उतना लोभ बढ़ता है, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे इनके नेत्र लालची बन गए हैं। दूर से तो भगवान शंकर ने इनको निहार लिया था, और सच कहें भगवान शंकर ने जो अपने आराध्य को देखा होगा बिलखते हुए, सच कहें प्रेमी ही जान सकता है इस प्रेमी की दशा, गदगद हो गए होंगे भगवान शंकर के नेत्र, जरूर बहे होंगे, जरूर लालच हुआ होगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि हम भगवान के भक्त विरही तो उनके लिए रोते रहते हैं, किंतु क्या वो भी कभी प्रेमी के लिए रोते हैं? महाराज बड़ा संतोष होता है, बड़ा संतोष होता है जब कोई अपने प्रेमास्पद के लिए रो रहा हो और बिलख रहा हो, और कोई आकर के बता दे कि तुम्हारे लिए भी वो रो रहे थे, तो सच कहें हृदय को शांति मिलती कि हमारा प्रेम एक तरफा नहीं, हमारा प्रेम दोनों तरफ का है। यदि उनके लिए हमारे आंखों में आंसू हैं तो हमारे आंखों के आंसू उनके लिए ठीक ही बहते हैं। आज बहुत आश्वासन मिल गया भक्तों को, महाराज कई जगह से आश्वासन मिल जाता है। जब ठाकुर जी ने, हमारे जीवन धन गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया राक्षसी का, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, और गदगद होकर के आश्वासन प्राप्त कर लिया कि राक्षसी का भी यदि भगवान उद्धार कर देते हैं तो हमारा भी उद्धार जरूर वो कर ही देंगे, ये आश्वासन मिल गया। यदि एक प्रेमी के लिए वो रोते हैं तो निश्चित रूप से प्रेमियों के लिए उनकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। मन में डर है, लोचन लालची हैं, और बाद में विचार ये भी आता है कि यदि हम बिना प्रणाम किए और यहां से निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से बाद में पछतावा होगा कि एक बार उनको और निहार लेना, एक बार उनको और निहार लें, एक बार और निहार लें। बार बार महाराज उनको निहार रहे हैं और रोमांच हो रहा है, आंसू बह रहे हैं। ये प्रेमी ही जान सकता है नारायण प्रेमी की गति को। जाके पैर न गई बीमाई, सो का जाने पीर पराई, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं
वो प्रेम की पीड़ा को क्या जान सकता है, वो प्रेमी के अंतःकरण को क्या पहचान सकता है। ये दक्ष की बेटी कुमारी, इसने प्रेम किया ही नहीं। अगर प्रेम किया होता तो निश्चित रूप से आज इस प्रेमी की दशा को देख करके निश्चित रूप से आह्लाद से भर जाते, आनंद से भर जाते। हम लोग तो महाराज बावरे हो जाते, आपको क्या कहें। अभी यहीं छत्तीसगढ़ से कथा करने के बाद मैं बंबई गया, और बंबई के बाद हमको दूसरी जगह जाना था बड़ौदा, तो पता नहीं शायद बेटी रही होगी, अपने पिता को विदेश जा रहा होगा शायद पिता, क्योंकि उम्र ज्यादा थी, तो मैं भी लाइन में ही लगा था और उसका पिता भी लाइन में लगा था, हमसे दो लोगों के बाहर था। अकस्मात वो बेटी दौड़ करके आई और दौड़ करके आ करके अपने पिता के गले लगकर बिलख बिलख करके रोने लगी, और बिलख बिलख करके जब रोने लगी तो उसके पिता के भी आंसुओं में आंखों में आंसू आ गए। हमारा कोई परिचय नहीं था उस बहन से, मैंने पहली बार देखा, कोई परिचय नहीं, किंतु उसके रुदन को देख करके पता नहीं हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। हमने फिर वो दृश्य देखना बंद कर दिया, हमने कहा कि यदि देखूंगा तो ज्यादा विह्वल हो जाऊंगा और मुझे भी दूसरा प्लेन पकड़ना है। तुरंत मेरी चित्तवृत्ति उधर की। बाद में मैंने प्रश्न किया अपने से कि हमको आंसू क्यों आए, तो जो वियोग का दुख होता है ना, अलग होने का दुख, हम लोग भी गुरुजनों से अलग हुए हैं और वो अंतिम जो मिलन होता है उस मिलन की स्मृति जो होती है महाराज एक अद्भुत होती है, उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है। उस रस को कभी न कभी लिया है, इसलिए उस रस को देख करके तुरंत हृदय रस से भर गया और हमारा चित्त तो महाराज दूसरी जगह डूबा हुआ था। हम तो देखने लगे श्याम सुंदर जब गए होंगे गोपांगनाओं को छोड़ करके तो क्या उनकी दशा रही होगी गोपियों की। उस चित्र को चिंतन करके हृदय भराया था, वहां हृदय डूब गया था। तो मुझे लगता है कि अगर कभी भी प्रेम कहीं हुआ होता इस दक्ष कुमारी का, तो भले वह परमात्मा के रूप में उसको आनंद नहीं आता, किंतु जीवात्मा के रूप में तो आनंद आता ही आता। वह उस रस को तो ले सकती थी किंतु वह रस ले नहीं पाई और संशय चित्त में और हो गया। वैसे तो इसलिए मैं कहता हूं कि उसने कथा नहीं सुनी थी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये राम कथा ऐसी मधुर ताली है, सुंदर करताली शब्द का प्रयोग किया है, कठोर ताली नहीं है, मधुर ताली है, सुंदर ताली है। शायद इसलिए सुंदर ताली है कि ये ताल में बजाई गई ताली है, अगर बेताल में बजाई गई ताली होती तो सुंदर ताली नहीं होती। महाराज देखते हैं कि जो गायक लोग हैं, अगर ताली भी ताल के साथ न बजे तो गाना गड़बड़ा जाता है उनका, कहते हैं लोग ताली ताल से नहीं बजाते हैं। ताली भी ताल में बजे तो मानो राम कथा ये ताल में बजाई गई ताली है, इसलिए सुंदर कर ताली है। तो ये ताल से बजाई गई ताली करती क्या है ये कथा रूपी ताली, बोले वृक्ष में जो संशय रूपी वृक्ष पक्षी बैठे हुए हैं, वो संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं और जो संशय रूपी पक्षी नहीं वो बैठे रहते हैं, वो रस लेते। चकोर थोड़ी उड़ेगा, चकोर तो रस लेने के लिए बैठा है। हां ये काक जरूर उड़ जाएगा, कौवा जरूर उड़ जाएगा, क्योंकि कौवा बड़ा संशयालु होता है। तो जितने भी संशय हैं सारे के सारे संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए सुंदर करताली है। और कुंभज जैसे महात्मा ने सुनाई हो कथा, बाद में भगवान की अद्भुत लीला नारायण स्वयं भक्ति का प्रतिपादन भक्ति के आचार्य के द्वारा किया गया हो, तो भक्ति के रहस्य को, भगवत कथा के रहस्य को निश्चित रूप से छुपा नहीं होगा। और महाराज इस रस को ये जान नहीं पाई, क्योंकि कथा में
इसका चित्त लगा नहीं। भगवान शंकर तो डूबे रहे, ये नहीं डूब पाई थी। अब इधर ये रस भगवान शंकर ने मारी भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। बहुत अद्भुत प्रयोग किया गया है, भरी लोचन, इसके दोनों अर्थ हैं। जो लालची लोचन थे वह दर्शन कर करके तृप्त हो गए, इसलिए भरी लोचन। और ऐसा लगता है कि प्रेम प्रवाह में लोचन से जल बह पड़ा, इसलिए भरी लोचन। दोनों अर्थ हैं, प्रेम प्रवाह के कारण, क्योंकि प्रेम छुपाए ना छुपे, प्रेम छुपाए ना छुपे, वो छुपता नहीं, जिस घट में प्रकट होता है। और यदि महाराज मुख से कटु ना कहे तो नयन देते हैं रोए। अगर प्रेमी कुछ बोले नहीं तो निश्चित रूप से उसके नयन बरस पड़ते हैं, निश्चित रूप से भगवान शंकर के नयन बरसे होंगे। इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। उस समय समय उचित नहीं था, इसलिए महाराज उन्होंने पहचान नहीं की। और दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज, अस कही चले हो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, ये देखो बाबा ये विश्वास है। कल मैंने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। विश्वास हो तो ऐसा हो, इसी का नाम विश्वास है नारायण। अब भगवान को ये सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, किंतु जिस रूप में इस समय इन्होंने निहारा है, निश्चित रूप से वो सच्चिदानंद के विपरीत हैं, सतचित आनंद के बिल्कुल विपरीत हैं। सत माने होता है जो सदा रहता है, सर्वत्र रहता है, और चित नाम होता है ज्ञान का। और आप आनंद से परिचित ही हैं, सुख का नाम आनंद है। और श्री राम जी के जीवन में ये दोनों तीनों की तीनों विपरीत हैं। चित इसलिए नहीं है कि पूछ रहे हैं खग मृग, अगर ज्ञान होता तो पूछते क्यों? क्या उनको इतना भी पता नहीं है कि जानकी को राम ले गया है? ये चित्त से विपरीत दशा है, और आनंद से विपरीत दशा है कि रो रहे हैं, और सत से विपरीत दशा है कि इधर उधर भटक रहे हैं। तो तीनों से विपरीतावस्था में भी इनका विश्वास नहीं बिगड़ा। और बंधुओं ध्यान रखना, ये विश्वास हमारे जीवन की पूंजी है। विश्वास ही वह सामर्थ्य है, श्रद्धा ही वह पूंजी है, विश्वास वह पूंजी है जिससे हम परमात्मा को पाषाण से भी प्रकट कर लेते हैं। प्रहलाद ने खंभे से भी निशंग को प्रकट कर दिया, ये उसके विश्वास ने प्रकट किया। भगवान सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, तो विश्वास में बहुत सामर्थ्य है। तो हमारे जीवन में जो विश्वास होता है, चाहे जैसे दिखे वो, भले भी परमात्मा से विपरीत दिख रहा है, महात्मा से विपरीत दिख रहा है, किंतु हमारा विश्वास कहता है कि वो नाटक है, वह हो ही नहीं सकता उनके जीवन में। इस विश्वास से ही हम विजय प्राप्त करते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। और बड़े प्रसन्न होकर के भगवान शंकर नारायण चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। ये पुनि पुनि पुलकत का अर्थ क्या जानते हैं? हमारे संत जन आचार्य चरण जन, हम लोग तो महाराज कोई रसीला भाव यदि कहीं मिल जाता सुनने को भी पढ़ने को भी,
उस भाव को हम कई बार जीते हैं, एक बार नहीं, वो सुनकर के तो जिए ही जिए, एकांत में भी बैठ करके उसका स्मरण आता है तो रोमांच हो जाता है। अरे भगवान की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा। तो वहां से प्रणाम करने के बाद भी भगवान के प्रेमी स्वभाव को देख करके, करुणा से भरे स्वभाव को देख करके बार बार रोमांचित हो जाते, बार बार पुलकावली होती थी। जब सती ने पति की ये दशा देखी तो उनके चित्त में और संदेह हो गया, विचार करने लगे कि हमारे पति तो जगत बंद हैं, सब लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं, सुर नर मुनि सब इनको शीश झुकाते हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जिनको सब कोई प्रणाम करता है इन्होंने एक मनुष्य के पुत्र को क्यों प्रणाम किया, और मनुष्य के पुत्र को प्रणाम करते करते इन्होंने और भी जय सच्चिदानंद परधामा करके प्रणाम किया, और उनकी छवि को देख करके इतने आनंदित हो गए कि अब अभी भी अपने प्रीति को छुपा नहीं पा रहे हैं, हृदय में बार बार रोमांच हो रहा है, बार बार अश्रु बह रहे हैं। सोचने लगी कि अगर हमारे पति सर्वज्ञ हैं तो उनसे छुपा कुछ नहीं है, और यदि छुपा नहीं है तो ये कारण क्या है कि हमारे पति देवता एक मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं, और यदि ये सच्चिदानंद हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ये ब्रह्म की विशेषताएं हैं, जो ब्रह्म व्यापक है, विरज है, अज है, अनी है, अभेद है, वह ब्रह्म ये मनुष्य लेकर क्यों आएगा जिसे बड़े बड़े वेद नहीं जान पाते हैं। अगर ये विष्णु हैं तो नर्तनधारी क्यों बन गए, और मानो यदि विष्णु हैं तो जैसे हमारे पति सब सर्वज्ञ हैं ऐसे भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं, और यदि सर्वज्ञ हैं तो इनको पता होगा कि इनकी पत्नी कहां गई है। महाराज बार बार ये चिंतन करने लगी और समझ में ना आए कि करूं तो क्या करूं, ये तो ऐसे ध्यान में डूबे हुए, रस में डूबे हुए हैं। भगवान शंकर से इन्होंने कहा, आप कृपा करके हमको बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं, ये कैसे ब्रह्म हैं, मुझे तो मनुष्य लगते हैं। नारायण, सुनी प्रगट न कहू भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय असन धरी उर काहु। ये हमारी माताओं का संसालु स्वभाव भी होता है, और स्वभाव जब हो तो कोई दोष नहीं है। हम कई बार देखते हैं इतना संशय भरा होता है, इतना संशय भरा होता है, अकारण संशय से भरी रहती है। अवगुण आठ सदा उर रही, सभी मिलेगा रामायण वर्णन है क्या क्या इनके चित्त में अवगुण सदा आठ रहते हैं, भय अविवेक असौच अदाया चंचलता चपलता माया, ये सब उनके दोष हैं। तो ये संसालु संशयालु स्वभाव होने के कारण, देखो भाई माताओं तुम तो मेरे ऊपर नाराज मत हो जाना कि सोचो कि बाबा जी कह रहे हैं कि माताओं में संशय होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो भगवान शंकर की बात सुना रहा हूं, मैं तो प्रणाम करता हूं, मैं कभी कुछ नहीं कहता हूं माताओं को, ये तो यहां लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, जो सुनता हूं वो बता देता हूं। अगर नाराजगी हो तो भगवान शंकर के ऊपर नाराज हो लेना कि तुमने हमको संशयालु क्यों कह दिया। और उन्होंने महाराज कहा कि जो अभी मैंने प्रणाम किया वो हमारे इष्ट देव हैं, रघुवीर हैं, जिन्हें सब देवता किन्नर सेवन करते हैं। महाराज बहुत बार समझाया, लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। भगवान शंकर ने बहुत बार कहा किंतु कोई उपदेश उनको लगा नहीं। बोले बिहस महेश
हरि माया बल जान जी। एक पंडित जी कहते थे, हमारा अनुभव तो है नहीं, ये तो पंडित जी लोगों का अनुभव होता है, अपने राम के पास तो आगे पीछे है ही नहीं मामला। तो पंडित जी महाराज एक बात बड़े हंसकर कहते थे, हमारे वैसे उनसे पढ़े हैं, तो हंस करके कहते थे, जब भगवान शंकर अपनी घरवाली को नहीं समझा पाए तो हम क्या समझा पाएंगे। आप लोग संतोष कर लिया करना, जब समझा ना पाओ और वो न समझ पाए तो ये छोड़ देना चाहिए सोच करके, भगवान शंकर नहीं समझा पाए तो हम क्या समझा पाएंगे। भगवान शंकर नहीं समझा पाए, बोले बिहसु महेश, जब समझा ना पाना तो भगवान शंकर से एक संदेश तो ले ही लेना कि नाराज होने की जरूरत नहीं है, न समझ पाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा करके सोचना कि ये तो भगवान की माया ही है। अब वो नहीं समझा पाए थे बड़े बड़े, तो हम क्या समझा पाएंगे। इन्होंने यही कहा, हरि माया बल जान जी, कहा ये तो भगवान की माया का ही प्रभाव है। अब कहा, तुम्हारे मन में यदि ऐसा संशय है तो किन जाई परीक्षा ले हो। अब तुमको लगता है कि ये मनुष्य हैं, राजकुमार हैं, विरही हैं, परमात्मा नहीं है, तो जाकर के परमात्मा की परीक्षा लेकर देखो ये परीक्षा में पास होते हैं कि नहीं होते। वैसे तो नारायण ये कहें कि जितने लोगों ने आज तक भगवान की परीक्षा ली उनकी ऐसी दशा हुई है, मैं आपको क्या कहूं। भागवत में आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, उनकी भी बड़ी दुर्दशा हुई। मैं एक सत्यजन को एक दिन सुन रहा था कि ब्रह्मा जी महाराज के मानस में एक दिन आया कि भगवान जब चाहते जो चाहते अपने मन का कर देते, मेरा सुनता ही सुनते ही नहीं। तो भगवान उसके पास गए, बोले कि ये जो कार्यभार हम इसका परित्याग करना चाहते हैं, ये ब्रह्मा का पद हमसे नहीं संभलेगा, मेरे बस का नहीं है। अच्छा, ये समझते थे थोड़े दिन बाद परेशान होकर अपने आप कह देंगे कि भाई अब तुम ही संभालो, कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई आदमी नहीं है। या कह देंगे ब्रह्मा को समझा करके, भाई जैसा तुम कहोगे वैसे कर लेंगे, त्याग पत्र मत दो। व्यक्ति जो कमजोरी समझ लेता है तो दबाव देता कि जैसे तुम कहोगे वही कर लेंगे, तुम्हारे बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। किंतु भगवान तो कौतुकी हैं, भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, त्याग पत्र देना चाहते हो तो देख दो, हम रख लेते हैं। और त्याग पत्र देकर के जो ब्रह्मा जी बाहर निकले तो महाराज लाइन लगी थी ब्रह्माओं की, कोई चार मुक्का कोई कैसे सब खड़े हैं। तो ये ब्रह्मा जी सोचे मामला क्या है, ये लाइन क्यों लगी है इतने ब्रह्माओं की, ये कौन है, कहां से आए। तो एक ब्रह्मा से पूछा कि क्या बात है, आप कहां से आए। बोले चुप रहो, मेरे पास टाइम नहीं, कहीं वहां निकल ना जाए समय, या पहले कोई दूसरा ना पहुंच जाए। बोले जाना कहां है। बोले एक बात यह है, एक महाराज चौथे पांचवें ने बताया, पहले वाले तो चले गए, चौथे पांचवें ने उनको बताया कि बात यह है कि एक दिन मैं तो ब्रह्मा भगवान के पास जाकर के उनको दिखाना चाहता था, कि थोड़ा धमकाना चाहता था कि मेरे मन की होनी चाहिए। उन्होंने त्याग पत्र लिया, अभी तक नंबर नहीं आया, आज मुझे पता चला है कि कोई पुराना ब्रह्मा त्याग पत्र दिया है तो शायद मेरा नंबर लग जाए, तो मेरा नंबर लग जाए इसलिए मैं आया हूं। तो ब्रह्मा दौड़े फिर वापस कि हमने गलती कर दी है जो त्याग पत्र दे दिया है। अभिप्राय क्या है कि ब्रह्मादि तो महाराज करोड़ों हैं उनके पास में, और कोई परीक्षा परमात्मा की लेना चाहे तो परीक्षा नहीं हो सकती है। देखो भगवान को नारायण जब भी जाना जा सकता है तो समीक्षा से जाना जा सकता है, परीक्षा से नहीं जाना जा सकता। आप कहोगे क्यों नहीं जाना जा सकता, थोड़ा दर्शन की ओर हम आपको बढ़ा देते, थोड़ा कथा का तो आप रस ले ही रहे हैं। ये जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान होता है, यही ज्ञान की साधन है पांच ज्ञान इंद्री। कौन कौन सी पांच ज्ञान इंद्री, एक आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है, और जीभ से रस का ज्ञान होता है, और जो ये त्वग इंद्री है खाल हमारी, इससे स्पर्श का ज्ञान होता है। अब जरा विचार कीजिएगा,
जिस तन्मात्रा से जो इंद्री का प्राकट होता है वह इंद्री उसी को पकड़ती है, दूसरे को नहीं पकड़ सकती है, ध्यान रखना। अब जैसे उदाहरण के लिए वायु तन्मात्रा से हमारी खाल बनी है, हम सब की जो खाल बनी है त्वग इंद्री वो वायु तन्मात्रा से बनी है। अब ये वायु तन्मात्रा से ही केवल हमारा स्पर्श का ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि जिससे बनी है उसका गुण स्पर्श, स्पर्शवान वायु। वायु आंख से नहीं दिखती है, वायु का गंध से भी पता नहीं चलता है, वायु शब्द से भी पता नहीं चलेगा सही ढंग से, उसका केवल स्पर्श से पता चलता है। भाई ये बंद करो लाइट जहां से बंद होती हो, देखो मामू ये हमारी आंखों में गड़बड़ करेंगे, लाइट लगाने का ढंग जानकारी नहीं किसी को। अब जैसे कान है, ये कान आपके ये आकाश तत्व से बने हैं, आकाश तन्मात्रा से, और आकाश तन्मात्रा आकाश का एक गुण है शब्द गुण कम आकाशम, तो ये शब्द को पकड़ेंगी। अब कान में आप गंध दो तो गंध पकड़ पाएगी कान? नहीं पकड़ पाएंगे। एक शब्द के अतिरिक्त कान इंद्री कुछ भी नहीं पकड़ सकती है। तो ये जो पंच महाभूतों से बने हुए ये पांच इंद्रियां हैं तो पंच महाभूतों को ही पकड़ती हैं। और परमात्मा का जो शिव विग्रह है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखता है। दिव्यम ददाम ते चक्षुम। अब हम लोगों का शरीर मृणमय है और भगवान का शरीर चिन्मय है। अब चिन्मय वो देखने के लिए मृणमय शरीर से नहीं बनेगा। अगर चिन्मय का दीदार करना है, चिन्मय को पहचानना है, तो हमारी आंखें भी दिव्य होनी चाहिए। आंखें यही रहेंगी किंतु इन आंखों में दिव्यता आ जाएगी। जैसे गीता में भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षुम, गुरुजनों की कृपा से, साधना की कृपा से, आराधना की कृपा से, भजन के प्रभाव से यही हमारी आंखें चिन्मय हो जाएंगी और यही चिन्मय आंखों से हम परमात्मा का दीदार कर सकेंगे। हमारी इंद्रियां भी चिन्मय हो जाती हैं। जब हमारी इंद्रियां चिन्मय हो जाएंगी तब इन्हीं इंद्रियों से हम परमात्मा का स्पर्श कर सकेंगे, परमात्मा को सूंघ सकेंगे, परमात्मा का रस ले सकेंगे। किंतु जब तक ये पांच भौतिक इंद्रियां रहेंगी चिन्मय के अतिरिक्त, तब तक हम चिन्मय को नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे बुद्धि का भी एक सामर्थ्य है। वेद भी जिसे नेति नेति कहकर जहां श्रुतियां मौन हो जाती हैं वह हम बुद्धि के आधार पर नहीं जान पाएंगे। इसलिए परमात्मा का परीक्षा कैसे लोगे? अच्छा एक बात बताइए, आप जरा विचार कीजिए, दोनों चिंतन कीजिए इसमें। अध्यापक परीक्षक महाराज जो होता है वो विद्यार्थी की परीक्षा लेता है कि विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा लेता है? अल्पज्ञ व्यक्ति की परीक्षा ज्ञानवान लेता है, और जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा महाराज ज्ञानवान है, तो जीव अल्पज्ञ परमात्मा की परीक्षा कैसे ले सकता है? इसके बस का ही नहीं परमात्मा की परीक्षा लेना, जीव के सामर्थ्य का नहीं कि वो परमात्मा की परीक्षा ले सके, उसके महाराज कैपेसिटी के बाहर मामला है। इसलिए परमात्मा कभी परीक्षा से नहीं मिलता है, परमात्मा जब भी मिलता है तो कृपा और समीक्षा से मिलता है। भगवती को लगा कि चलो हम परीक्षा करती हैं, और भगवान ने नारायण एक बात जरूर कह दी, सच में जीवन हो तो ऐसा ही हो, कहा तब लगी बैठ अहूं बट छाही। जब तक तुम परीक्षा लेने जाती हो तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। ये बट वृक्ष क्या है? बट विश्वास, अचल निज धर्मा। ध्यान रखना, जितनी दिव्य दिव्य कथाएं हुई हैं बट वृक्ष के नीचे, जैसे श्री भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क जी कथा सुना रहे हैं, वो भी बट वृक्ष है, अक्षय बट वृक्ष है। सुखदेव जी में महाराज ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई, वो भी बट वृक्ष है। कागभुसुंड जी महाराज कथा सुनाते हैं, वो भी बट वृक्ष है। और भगवान शंकर भगवती को कथा सुनाते हैं, वो भी बट वृक्ष है।
ये वट वृक्ष का अभिप्राय क्या है? विश्वास के वृक्ष के नीचे। ये विश्वास है बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो कहा मुझे तो पूर्ण विश्वास है, इसलिए वट वृक्ष की छाया में मैं बैठा हूं। जब तक तुम परीक्षा लेकर के नहीं आ जाओगी तब तक मैं यही हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेउ सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से आपके इस मोह का नाश हो उस प्रकार से यत्न करना, किंतु विवेक का ध्यान रखना, विचार ये करना, विवेक पूर्वक करना। अब महाराज वहां से सती चल तो पड़ी, किंतु विचार करने लगी कि कैसे उनकी परीक्षा ले। ये विचार करते हुए जा रही, यहां भगवान शंकर विचार, वो तो विचार कर रही तब भी विचारी हो गई, क्योंकि पति की आज्ञा नहीं मानी। और भगवान शंकर ने क्या विचारा, यहां शंभुवस मन अनुमाना। यहां वट वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके भगवान शंकर शंभु अब विचार करने लगे कि दक्ष सुता का कल्याण नहीं है, परमात्मा की परीक्षा लेने गई। मेरे कहने के बाद भी उनका संशय नहीं गया, ऐसा लगता है कि आज विधाता इनसे विपरीत हो गया और अब इनकी भलाई नहीं है। देखो भाई, ये भी ध्यान रखना चाहिए, साधो सावधान, साधक सावधान। कई बार जो हमारे साथ में लोग रहते हैं, जो हमारे संबंध में लोग रहते हैं, अगर हम ठाकुर जी के भजन में लगे हैं तो हमारा संगी, हमारा साथी, हमारा सहयोगी, मानो गृहस्थ हैं तो आपकी पत्नी, विपरीत आचरण करने लगे तो ज्यादा बहुत उसमें सोचने में समय नहीं खराब करना चाहिए। ये ज्यादा जो लोग सोचते हैं वो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। साधक को सीखने लायक है कि कैसे वो इस धारा को बंद कर दे। जब इनका चित्त जाने लगा सती के ऊपर, अर्थात धर्मपत्नी है इनकी, चित्त गया तो क्षोभ तो चित्त में हुआ कि अब इनका कल्याण नहीं है, किंतु तुरंत अपने मन को विश्राम दे दिया। हुई है सोई जो राम रचि राखा, बस ये बहुत बढ़िया साधन है। श्री राघव ने जो योजना बना करके रखा होगा वही होगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अब डालियों को क्यों बढ़ाना है, शाखाओं को क्यों बढ़ाना है कि ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये जो हमारा डिप्रेशन के शिकार बनते हैं वो शाखाओं के कारण। ये बात नहीं मानी, ऐसा हो गया तो आजकल बच्चे आत्महत्या भी करते तो इसी के कारण, क्योंकि वो परिणाम पर बहुत दूर तक सोचने लगते हैं। जैसे आजकल वहां हमारे कोटा में बच्चे बहुत तैयारी करने जाते हैं, आत्महत्या बहुत कर रहे हैं बच्चे। तो हमारे सामने एक समस्या आई उस समय, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग वहां प्रश्न किए हमसे कि समस्या है महाराज बच्चों के, आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा चित्त तुरंत चिंतन में लगा कि आत्महत्या का कारण क्या है। तो जब मैंने कारण का चिंतन किया तो कारण यही था कि बच्चों को माता पिता अब वहां पढ़ते हैं, भेजने की महाराज भेजते हैं, एक बच्चे का कम से कम 20,000 रुपया तो महीने का खर्चा है। साल भर पढ़ाई करने के बाद जब वो बच्चा सोचता है कि मैं निकलूंगा नहीं तो घबरा जाता है, वो घबरा जाता है कि मेरे पिताजी ने इतना खर्चा किया, फिर मैं लौट कर जाऊंगा तो फिर स्कूल में हंसी होगी हमारी कि IIT करने गया था, देख कैसा लौट करके आ गया, फिर हमारे माता पिता ऐसे कहेंगे, हमारे मित्र ऐसे कहेंगे, फिर अमुक ऐसे उसने शाखाएं बढ़ा ली और सब उसकी कल्पना की शाखाएं हैं। ये जितनी हम कल्पना की शाखाएं बढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब सारी समस्याएं मेरे सामने आ जाएं। हम कई बार देखते हैं कि कल्पना की शाखाएं जब हम बहुत ज्यादा विस्तार कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। अरे बाबा, मन का सोचने का सामर्थ्य एक सीमित है। जरूरी नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारे पिताजी हमको डांट ही देंगे, जरूरी नहीं कि हमारी मां हमको परेशान करेगी। अरे कई बार माताओं का, पिता का हृदय कोमल हो जाता है, वो स्वयं प्यार करने लगते हैं। हमने देखा कि एक बच्चा महाराज बहुत नटखट था, वो फेल हो गया,
उससे मां इतना प्रेम करने लगी कुछ पूछो नहीं। बाद में मुझे पता चला कि ये क्यों प्रेम करने लगी, तो मैंने उससे पूछा कि तू तो इसकी हरदम शिकायत करती थी, आज तू उससे प्रेम क्यों करती हो? बोले मैं डर गई कहीं आत्महत्या न कर ले। तो इसको प्यार की जरूरत है। तो जितनी फिर मैंने बच्चों को वहां अध्यापकों को कहा कि ये तर्क की शाखाओं को उनको रोकना सिखाओ, कि कैसे ये तर्क की शाखाओं को हम रोकें, ये सच में साधक के लिए बहुत जरूरी है। यदि शांति चाहिए तो ये तर्क की शाखाओं को रोकना आना चाहिए, और रोकना आने का साधन यही है कि हुई ही सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम ने सोचा होगा, राम जो करना चाहते हैं वही होगा, मेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। अस कही लगे जपन हरि नामा, तुरंत महाराज अपने चित्त को उधर से मोड़कर भगवान का नाम जपने लगे, और गई सती जहां प्रभु सुखधामा, हमारे सुखधाम। बड़ा विलक्षण वर्णन किया, हम तो कई बार तुलसीदास जी महाराज की भाषा पर बलिहार हो जाते हैं। कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया सुखधामा, जो रो रहे हैं वो सुखधाम कैसे हैं, पति के विरह में हैं दुखी हैं तो सुखधाम कैसे हैं? अरे बाबा ये सारा का सारा ऊपर का अभिनय था, ध्यान रखिएगा, वो सच्चे अंदर से बिल्कुल दुखी नहीं थे। अगर आप राम जी के समीप पहुंच जाओगे तो पता चलेगा। इसलिए नट सेवकहीं न व्यापहीं माया, मैं कई बार लोगों को सुनाता हूं ये कैसा नाटक है भगवान का। आप लोगों ने कभी रासलीला देखी कि नहीं देखी? हमारे वृंदावन में बहुत होती है। एक रासधारी ने हमको आहूत किया था लीला देखने के लिए, कभी कोई दीप जलाने के लिए, कभी उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए तो नहीं जा पाया मैं, कथा से गया, तो हमने कहा कि आज आ सकता हूं कल चला जाऊंगा। तो रास मंडली के स्वामी ने कहा कि महाराज जी बड़ी कृपा होगी, मैं चला गया। संयोग से उस दिन कंस उद्धार लीला थी। अब वो मंच पर ही हमको बैठना था, मंच पर बैठना था, साइड में मैं बैठ करके लीला देख रहा था, और संयोग ये बना कि कंस मंच में बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए झपटे। जो झपटे तो सीढ़ियां चढ़ के जाना था, वो बालक था, बहुत आवेश में था, भले अभिनय में था, किंतु महाराज उसका पैर फिसल गया सीढ़ियों से और मंच में नाक के बल गिर गया। जो गिरा इतने में महाराज तुरंत का तुरंत पर्दा बंद हो गया, वो लीला व्यवधान पड़ गई, पर्दा बंद हो गया और उस पर्दे के अंदर अपने हो गए। जनता पर्दे के बाहर और अपने राम पर्दे के अंदर, तो जो पर्दे के अंदर मामला हो रहा था वो दिख गया। क्या दिखा? कि जो कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए तलवार लिए बैठा था ना, अब तो मौका था बहुत बढ़िया, कृष्ण नाक के बल गिरे, गर्दन पर मारो ना तलवार, अब तो मौका मिल गया। किंतु महाराज वहां उल्टा हुआ, कंस ने तलवार फेंक दी, अपना मुकुट फेंक दिया, उस बालक को तुरंत गोद में ले लिया और उसको चूमने लगा, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं कुछ नहीं, क्या हुआ? मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसे कृष्ण और कंस है, कोई कंस कृष्ण को ऐसा प्यार करता है? मैंने बाद में पूछा मामला क्या है, तब हमको बताया कि बोले इन्हीं का बेटा कृष्ण बना है, बाप बना था कंस और बेटा बना था कृष्ण। तो हम मद में हंस करके बोले, हमने कहा दुनिया को बेवकूफ बना रहे, ये बाप बेटे ही कंस और महाराज कृष्ण का नाटक कर रहे हैं और दुनिया समझ रही कि एक दूसरे के दुश्मन है। तो याद रखना, ये जो अभिनय हो रहा है राम जी का रावण को मारने की जो भूमिका है, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने की है। आप कहेंगे क्यों बनाने की है? अरे भाई उन्हीं का सेवक तो है जय विजय, केवल वो पाठ कर रहा है, और पाठ इतना बढ़िया करेगा तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। ये मत समझिएगा कि पाठ बढ़िया होने के बाद महाराज व्यक्ति की, अरे खलनायक भी अगर अच्छा ना हो तो नायक की प्रतिष्ठा नहीं होगी। लोग नायकों को बहुत ज्यादा पूजते हैं, किंतु जो मंचन की विधा को जानते हैं उनको पता है कि जितना नायक का महत्व है उससे कम खलनायक का महत्व नहीं है। खलनायक कितना जबरदस्त होना चाहिए, वो हमारे श्री रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी, उस समय संयोग से जिन महात्मा की मैं सेवा में था, उस सेवा में वो हरदम आते थे पूछने के लिए कि महाराज जी अब यहां चल रहा है, यहां चल रहा है, इसको कहां सुधार करूं,
वाल्मीकि रामायण में ये है, अमुक रामायण में, उस महापुरुष ने बहुत मेहनत की थी। तो मैं ऋषिकेश में पढ़ता था तो उनके पास वो हरदम आते थे। एक दिन संयोग से, शायद उनका नाम मैं भूल गया, अरविंद चतुर्वेदी नाम था, वो रावण बनते थे, उनको भी लेकर के वो आए थे और प्रणाम करा करके कहा कि महाराज ये चतुर्वेदी जी हैं, ये रावण बनते हैं। तो जब मैंने उनको सामने से रावण देखा तो हमको तो बड़े सज्जन पुरुष लगे, किंतु महाराज वहां तो रावण की ऐसा अभिनय करते हैं, ऐसे ठाका मारकर हंसते हैं कि सामने वाले तो भ्रम में पड़ जाए कि सचमुच का रावण यही है। तो अभिनय जितना बढ़िया हो जाए, ध्यान रखना ये अभिनय है, भगवान जो यहां अभिनय कर रहे थे, इस अभिनय को महाराज भगवान शंकर जानते थे, इसलिए वह तो चिंतन में लगे थे कि कितना। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गई सती जहां प्रभु सुख धामा, यहां दुखी राम नहीं, प्रभु सुख धाम जहां पर है वहां पर जाकर के महाराज पहुंची। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरी सीता कर रूप, महाराज बार बार हृदय में विचारने के बाद उनको एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? बोले राजकुमार होंगे तो अभी पकड़ लूंगी, क्योंकि सीता को खोज रहे हैं और सीता को यदि ये खोज रहे हैं दोनों भाई तो मैं सीता बनकर के प्रकट हो जाती हूं, और सीता बनकर प्रकट हो जाऊंगी तो तुरंत ये दौड़ करके हमारे पास आएंगे और कहेंगे देखो जी मिल गई जानकी, मिल गई जानकी, मिल गई श्यामा महाराज, मिल किशोरी जी मिल गई। ये महाराज चिंतन तो करके इन्होंने रख लिया, किंतु भाई ध्यान रखना जो भी पाठ करना हो निश्चित रूप से उसका पहले चिंतन होना चाहिए। आपको बताए पाठ को जब तक व्यक्ति जीता नहीं तब तक सही पाठ कर नहीं सकता है, उस पाठ को जीना पड़ता है व्यक्ति को, तभी उस पाठ में वास्तविकता आती है। हमने एक पूज्य संत प्रवर श्री अयोध्या के थे, पूज्य श्री रामानुज संप्रदाय के संत, संत प्रवर श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अद्भुत संत थे वो। उस संत की करुणा इस बालक पर बहुत रही, मैंने उनके मुख से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी कुछ बाल लीलाएं मैंने उनसे सुनी हैं। ऐसा रसीला वर्णन करते थे वो, ऐसा रसीला वर्णन करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे वो लीला देख करके लीला सुना रहे हैं। मुझे श्री गोपालाचार्य जी महाराज, कई बार तो हम कथा सुनते सुनते भूल जाते थे कि कथा सुन रहे हैं, ऐसा वर्णन करते थे कि लगता है कि वो बिल्कुल देख करके वर्णन कर रहे हैं। तो वैसे उनका तादात्मापन हो जाता था। एक बार उनके मुखारविंद से मैंने कुछ सुना, भगवान राम की बाल लीलाएं, और बाल लीला करने के बाद वो उतरे मंच से तो मैं तुरंत उनके कमरे में पहुंच गया। तो महात्मा उस समय हमको लगता है 70 साल के रहे होंगे, किंतु मंच में उस बाल लीला को इतना जी करके आए थे कि मंच से उतरने के बाद भी उनका स्वभाव बालक जैसा हो गया था। हम तो देख करके दंग रह गए, उनसे बातचीत करके दंग रह गए। मैं तो उनके चरणों में बैठता था, छोटा था बहुत, पर आज हमको लगता है आज से 20 साल पहले की बात होगी, महाराज जी हमारे कंधे पर हाथ डाल लिए और हाथ डालकर जैसे कोई मित्र व्यवहार करता है, लड्डू मेरे मुख में खिलाने लगे और कहा तुम आया करो रोज। मुझे लगा कि महाराज जी को क्या हो गया है। बाद में दूसरे दिन मिले तो फिर मर्यादा में, तो मैंने पूछा कि महाराज जी कल क्या दशा थी आपकी। अरे बोले मैं राम जी का सखा होकर के कथा कह रहा था ना, तो सखा कहते कहते हमको तादात्म्यपन्न हो गया। ये देखिए वो पाठ जीना पड़ता है, अगर उस पाठ को हम जिएंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। मैं आज विचार कर रहा था कि जानकी का रूप बना तो लिया हमारे श्री पार्वती में सती मैया ने, किंतु जानकी को उन्होंने जिया नहीं। अगर जानकी को जी होती तो आप पूरे जीवन देख लीजिएगा, जानकी कभी राम से आगे नहीं चली, पीछे ही चली है। अगर वो जानकी को जी करके पाठ किया होता तो पीछे जाती, उनके सन्मुख नहीं जाती। तो महाराज भगवान राम ने तो बाद में देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण ने जब, अच्छा यहां उमा नाम कब पड़ा इनका, सती के समय उमा नाम नहीं था, किंतु बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उमाकृत भेषा,
ये क्यों प्रयोग किया? कारण यही है कि अब लक्ष्मण जी को पता चल गया अब ये सती सती रहने वाली नहीं उमा बनने वाली है, तो पहले से ही सूचना दे दी कि उमाकृत भेषा, और उनको देखकर चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा, चकित महाराज हो गए, हृदय में भ्रम था, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लखनलाल जी कुछ बोले नहीं, बड़े गंभीर स्वभाव के हैं, और श्री राघव के स्वभाव को नारायण जानते हैं, और जो कपट सती ने किया था सुर स्वामी ने पहचान लिया, उसका कपट अंतर्यामी होने के कारण, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। कहते महाराज जिनके सुमिरन करने से अज्ञान मिट जाता है सोई राघव हमारे हैं, और उनके सामने ही सती ये दुराव कर रही हैं। फिर हमारे बाबा ने टिप्पणी कर दी, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, बोले नारी का स्वभाव है सर्वज्ञ जानने के बाद भी, तब भी महाराज इस प्रकार का प्रभाव उनके चित्त में, और बाद में अपनी माया को भी महाराज उन्होंने चिंतन किया और सोचा कि देखो तो सही हमारा माया का प्रभाव कैसा, उसमें ये पड़ गई, और बिहस करके भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके कहा, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके कहा, मां मैं वंदन करता हूं, और ऐसे ही नहीं पिता समेत लीन निज नाम। हमारी नारायण परंपरा तो ऐसी है कि पिता के साथ अपना नाम लेना चाहिए, आजकल तो ये परंपराएं चली गई, अभी दक्षिण में हैं, हम कई बार देखते हैं दक्षिण के लोग जब आते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो अपना गोत्र, अपने वेद की शाखा, अपने पिता का नाम लेकर के फिर अपना नाम, ये क्रम है शास्त्री। जैसे आप देखते हैं मोहनचंद करमचंद गांधी लिखते हैं, उसमें भी पिता का नाम आ गया। तो महाराज इन्होंने अपने पिता का नाम लेकर के राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज का राजकुमार, और उनकी आज्ञा मान करके मैं यहां घूम रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, और पुनः कहा, कहो बहोरी कहां वृष के तू, ये धर्मध्वज कहां है, वृष माने हमारा ध्यान रखना, वृष नाम धर्म बैल का है, वृषभ का है, वृषभ धर्म का स्वरूप है, केतु माने पता का, आप तो धर्म केतु की धर्म पत्नी है, किंतु विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, व्यंग और कर दिया। देखो भाई कोई आप लोग नाराज मत होना, अपने पीहर में अगर बेटी अकेले घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वह पियर के अतिरिक्त अपने पति के अलग इधर उधर घूम रही है तो तकलीफ है, यात्रा निश्चित रूप से पति के साथ ही करनी चाहिए, जहां भी जाएं, जहां जाना हो। तो हमारी कई बहनें पूछती हैं, पति न जाए तो क्या करूं, पति न जाए तो क्या करूं, फिर तो जाना पड़ेगा। हमने कहा कि जब पति को पता चल जाएगा कि तुम उसके बगैर नहीं जाती हो तो जाना चालू कर देगा। होता क्या है कि जब हम देख लेते हमारे बगैर काम बन रहा है तो अपना समय काहे को खराब करो, जाओ भटकते रहो, क्या दिक्कत है, अपने को तो शांति से रहने दो। और ये पति देवता लोग जानते भी हैं कि बाजार यदि ले गए और कहीं पसंद नहीं आया तो डांट कर कहेंगे, तुम्हें क्या पता है, चुप रहो, खरीदना तो हमको है, तो सोचते हैं इनके साथ जाने में नाक और कटरानी पड़ेगी, डांट और खानी पड़ेगी, तो सोचते हैं घर में डांट लेते हैं तो कम से कम कोई देखता तो नहीं, डांट पड़ जाती है तो अपने काम बराबर हो जाता है, किंतु बाजार में यदि डांट पड़ेगी तो बेचती होगी भाई, तो व्यवहार ऐसा हो कि वो अपने आप आपको लेकर के चले, ऐसे नहीं कि महाराज वो जाते नहीं है। हम देखते हैं कई बार जब हमको स्वभाव पता है कि व्यक्ति हमारे बगैर ये काम नहीं करेगा तो हम सोचते हैं कि भाई फिर तो उसके साथ जाना जरूरी है, और जब ये देख लेते हैं काम इसका हमारे बगैर चलता है तो चलने दो। तो महाराज यहां ये वर्णन किया गया कि भगवान ने जब ये प्रश्न पूछ दिया, और प्रश्न पूछते ही राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच, मां के चित्त में संकोच आ गया, सती सभीत महेश पहीं चली हृदय बड़ सोच, नारायण के चित्त में बड़ा शोक हुआ,
और भगवान शंकर की ओर दौड़ पड़ी, कुछ बोली नहीं और विचार करने लगी कि मैं शंकर को क्या जाकर बताऊंगा बताऊंगी, अपना अज्ञान ही मैंने राम पर थोप दिया, उत्तर उन्हें जाकर क्या दूंगी। किंतु जाना राम सती दुख पावा, जब राम जी ने देख लिया कि सती को दुख हुआ तो अपना प्रभाव और जमा दिखाया। क्या दिखाया अपना प्रभाव? भगवान राम ने महाराज ऐसी माया रची कि सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। दिखा दिया कि तुम तो पहले चल रही थी, यहां पहले राम आगे और फिर जानकी जी हैं, फिर लखन है, जहां देखा वही दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर देखा, सुंदर स्वरूप में देखा है। और ब्रह्मा विष्णु विधि महाराज ये सब प्रभाव एक से एक भगवान के चरणों में वंदन कर रहे हैं। देख करके इनके प्रभाव से, अच्छा नारायण ऐसे प्रभाव को जान करके भी सती का स्वभाव नहीं बदला। सच कहें स्वभाव बहुत दुस्तज होता है, स्वभाव का परित्याग करना बड़ा कठिन। स्वभावो दुस्तजो नाथ, जब भगवान का ऐसा प्रभाव देख लिया था तो स्वभाव बदल जाना चाहिए था, किंतु नारायण स्वभाव नहीं बदला। और जब आई भगवान शंकर के समीप, भगवान शंकर ने पूछा हंस करके, कहा कि सब ठीक तो है, कुशल तो हो। कहा कि किस विधि से तुमने परीक्षा ली, विधि तो बताओ, कहो सत्य सब बात। अब जब भगवान शंकर ने कह दिया था सत्य कहो, तो सत्य सत्य बता देना चाहिए था, किंतु देवी ने सत्य बताया नहीं नारायण। और इन्होंने ऐसी बात कर दी, भगवान का स्वभाव देखने के बाद, प्रभाव देखने के बाद हंसकर कहने लगी, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर किया क्या तुमने? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई। और मैं जानती हूं कि आप जो कहते हैं वो झूठा नहीं होगा, मोरे मन प्रतीत अति सोई। भगवान शंकर सोचने की घंटों समझाने के बाद तो मानी नहीं, और अब ये कह रही कि जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, मुझे तो लगता है कुछ दाल में काला है। और महाराज जो ध्यान धर के देखा, सती जो कीन चरित सब जाना, जो उन्होंने चरित्र किया था भगवान शंकर सब जान गए। और जान करके महाराज भगवान की इच्छा समझ करके भगवान महाराज कहा कि इससे झूठ कहला दिया माया ने, बहुर राम माये ही सिरुनावा। राम की माया को वंदन करके कहा कि प्रेरित सते जी झूठ कहावा, ये उनकी माया का प्रभाव है जो उसने झूठ कहला दिया। अब चिंतन करने लगे मैं करूं तो क्या करूं। परम पुनीत न जाहित जी किए प्रेम बड़ पाप। अब तुम्हारा बड़ी विडंबना हो गई एक चित्त में कि भगवती से प्रेम भगवान शंकर का बहुत है, और जिससे प्रेम होता है नारायण उसका त्याग नहीं किया जा सकता। हम कई बार देखते हैं कि अपना सेवक कितना बड़ा भी अपराध कर दे तो दुख तो होता है कि अपराधी है, किंतु तब भी त्याग करने का मानस नहीं हो पाता, छोड़ने का मानस नहीं हो पाता, किंतु स्वीकार करते हैं कि यदि मैं प्रेम करूंगा तो बड़ा पाप लगेगा। त्यागना हो नहीं रहा है और प्रेम करना अब शक्य नहीं है। क्यों प्रेम करना शक्य क्यों नहीं, कारण क्या है इसका? क्योंकि मां का भेष बना लिया। अब जो एक बार मां का भेष बना करके आ जाए, ये देखिए ना, निष्ठा जो भक्तों की होती बड़ी अद्भुत होती है, और सचमुच में इसी निष्ठा में परमात्मा बसते हैं। हम निष्ठा को वंदन करते हैं। आजकल भागवत की कथाओं में झांकी बनाने की बड़ी परंपरा बन गई। अभी तो लोरमी में झांकी बनाने वाले ही आए थे बाहर से,
और दिव्य दिव्य झांकी बनाते थे वहां। संयोग से एक उड़ीसा में हमारी कथा थी, मनोज हुआ बात मुझे कभी नहीं भूलती, कई वर्ष हो गए, हमको लगता का 10 वर्ष हो गए। और रुक्मिणी विवाह के दिन उनकी घर की एक बेटी थी जो कथा करवाने वाले जजमान मारवाड़ी थे, तो उनके माता पिता चाहते थे कि इस बेटी को हम रुक्मिणी बनाएं। अभिनय में कृष्ण और रुक्मिणी बना दिया, तो ढूंढ रखा था उस बेटी का, निश्चय कर रखा था। और लोग ये समझते हैं कि यदि रुक्मिणी बन जाएगी तो ब्याह भी जल्दी हो जाएगा, किंतु उस बेटी ने रुक्मिणी बनने से मना कर दिया। मां बहुत परेशान कि तुमको रुक्मिणी बनना है, पिता भी कहे, सब लोग कहें। बहुत सुंदर बालिका थी, 18-19 साल की रही होगी, 20 साल की। बाद में जब सब लोग उस पर बहुत दबाव डाले, उसने कहा कि गुरुजी से मैं बात करूंगी, गुरुजी कहेंगे तो फिर बनूंगी, मैं उनसे पूछे बगैर नहीं बनूंगी। तो उसकी मां मेरे पास लेकर आ गई उस बालिका को। दोपहर का समय था, मैं कथा में जाने वाला था सायंकाल, तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मम्मी भी साथ में थी, बोले हम दो बहनें, हमारे कोई भाई नहीं है। तो जब मैं छोटी थी तो अपनी मां से मैंने कहा कि हमको राखी किसको बांधनी है, हमारा भैया नहीं है। तो हमारी मां ने कहा कि तुम कन्हैया को राखी बांध दो। और मैं बचपन से लेकर के अभी तक कन्हैया को राखी बांध रही हूं। जिसको मैं राखी बांध रही हूं उसकी मैं पत्नी रुक्मिणी कैसे बन सकती हूं? हमारा भाई है, मैं उसकी रुक्मिणी कभी नहीं बनूंगी। आपको जानकर आश्चर्य लग गया, उस निष्ठा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने तखत से उठकर उसके चरणों में सर रखकर वंदन किया। हमने कहा इसी निष्ठा से भगवान मिलते हैं। अरे एक बार जो संबंध बना लिया सो बना लिया, ये बार बार संबंध कोई बिकाऊ थोड़ी है संबंध हमारे, कि जब चाहा हमने संबंध बदल दिया, जब चाहा तब हमने अपना रास्ता बदल दिया। अरे निष्ठा तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हमारे श्री भगवान शंकर का भाव भगवान के प्रति पिता का भाव है और जानकी के प्रति मां का भाव है। तो आज यदि हमारी पत्नी मां बनकर के आ गई, अब उसको हम कैसे भोग्या बना सकते हैं, उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? महाराज बड़ा चित्त में क्षोभ था, करें तो क्या करें, किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा दिव्य वर्णन किया महाराज, और वर्णन करते कहते जब बहुत उनके चित्त में चिंतन हुआ तो अब दृढ़ता आ गई, यही तन सती भेंट मोही नाही। अब इस तरह से शरीर सती से हमारा भेंट नहीं होगा। अब ये सती जब दूसरा, क्योंकि इस शरीर से उसने मां का रूप धारण किया है, अब ये जब शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में मिलेगी तभी भेंट होगी। शिव संकल्प कीन मन माही, भगवान संकल्प में शंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया, अब शरीर से भेंट कभी नहीं होगी। और जो महाराज भवन की ओर चल पड़े सुमिरत भगवान रघुनाथ का चिंतन करते हुए, देखो एक निवेदन कर दूं, जिस विषय पर अपना मतैक्य न हो, पति पत्नी में या भाई भाई में या मित्र मित्र में, अगर मतैक्य नहीं है तो कम से कम उसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, वहीं छोड़ देना चाहिए, उसको स्टॉप कर दो। कि अब उससे ज्यादा आप विचार करोगे तो कीचड़ ही निकलेगा, वो क्रोध होकर के गाली देगा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। हमारा मतैक्य नहीं तो उस पर विचार ही नहीं। भगवान शंकर ने तुरंत विषय बदल दिया और भगवान राघव का चिंतन करने लगे, किंतु महाराज आकाशवाणी हुई और पुष्पों की वर्षा हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत रड़ाई, जय हो महाराज भगवान शंकर की भक्ति को जय हो, ऐसा आज तक किसी ने प्रण नहीं किया है। राम भगत समर्थ भगवाना, ये तो भगवान राम के भक्त ही समर्थ होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और महाराज आवाज जब सुनी तो सती के चित्त में हुआ कि क्या इन्होंने संकल्प लिया है। महाराज एक बात कहें, यद्यपि महाराज बार बार पूछा किंतु इन्होंने बताया नहीं। आवश्यक नहीं कि सब बात बतानी ही चाहिए,
देखो भाई, जिससे कष्ट होने वाला उससे बताने से क्या फायदा। वह सती जान तो गई कि हमारा परित्याग कर दिया, किंतु वक्ता ने एक बड़ी रसीली टिप्पणी दे दी जो हम लोगों के काम की है। जलपय सरिस विकाय देखहु प्रीति की रीति भली। भैया ध्यान रखना, अगर दूध के साथ जल मिला दिया जाता है तो जिस भाव दूध बिकता है उसी भाव जल बिकता है कि नहीं बिकता? जिस भाव दूध बिकता है उसी भाव जल बिकता है। ये प्रेम का खेल है। जो कीमत दुग्ध की थी वही कीमत महाराज पानी की होगी। आजकल तो बड़ा विलक्षण है, भगवान मालिक है किसी को शुद्ध दूध मिल जाए। बंबई में मैं रुकता हूं कई बार, वहां कथा है, अपना आश्रम भी है, तो एक हमारे पड़ोसी ने बताया, बोले महाराज जी आज दूधिया ने इस महीने का बिल ज्यादा दिया, दूध का वो रेट नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि बिल क्यों ज्यादा दिया है, क्या कारण है? तो दूधिया ने कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने दूध का रेट बढ़ाया है। बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से? हां, क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से? बोले पहले मैं तो नाले का पानी मिलाता था, अब बिस्लरी का मिलाने लगा हूं। तो बिस्लरी का पानी का पैसा मैं किससे लूंगा? अपने घर से दूंगा? अब बिस्लरी का पानी यदि मिला रहा हूं तो पैसा तेरे से ही लूंगा। तो हमको बताया तो मैं बहुत देर तक हंसता रहा कि ईमानदार दूधिया था, कम से कम बता तो दिया कि बिस्लरी का पैसा ले रहा हूं, उसको मिलाया तो ले रहा हूं। यहां तो बड़ी रसीली बात कही, बिलग हो मारा जलुपय सरिस विकाय देखो प्रीत की रीति भली। ये प्रीत की रीति है कि दुग्ध के भाव जल बिकता है, किंतु देखो दोनों की प्रीति में कितनी महाराज गहराई होती है। जल ने भी दूध को कह दिया कि तूने यदि अपनी कीमत दी है तो मैं अपने जीवन की कीमत दूंगा। अब दूध यदि खौलाया जाता है, बंधुओं ध्यान रखना, दूध यदि खौलाया जाता है तो पहले दूध जलता है कि पहले पानी जलता है? पहले पानी जलता है। पानी ने कहा कि यदि तुमने हमारी कीमत बढ़ा दी तो हम अपनी कीमत देकर, अपना जीवन देकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। और देखना कभी कि दूध महाराज खौल रहा हो, फन रहा हो, उसमें पानी की छींट दे दो, तुरंत शांत हो जाता है। ये अपने मित्र की विशेषता। किंतु भैया ऐसी प्रीति तो दुनिया में बड़ी दुर्लभ है। ऐसी प्रीति दुनिया में दुर्लभ है, किंतु ऐसी प्रीति में भी यदि कोई खटाई डाल दे, ध्यान रखना, ऐसी प्रीति में भी यदि कोई खटाई डाल दे तो फिर दोनों फट जाएंगे कि नहीं, अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं? फिर कितना भी प्रयास करो फिर दोनों एक मिलने वाले नहीं है। दूध फट जाने के बाद दूध के पानी को कितना मिलाना, कभी नहीं फटे हुए से मिलेगा वो, चाहे कितना प्रयास कर लेना। तुलसीदास जी महाराज कहते बिलग होए रस जाय कपट खटाई परत ही। ये जब आपस में जहां इतनी मित्रता हो वहां कपट की यदि खटाई पड़ गई, ध्यान रखना भाई, जहां प्रेम हो वहां कपट नहीं आना चाहिए। कपट माने जानते हो? कपट का ही प्राय होता सच्चाई में पर्दा डाल देना। अभी एक अंग्रेजी का वाक्य मुझे बहुत अच्छा आया, लिख करके उसका अर्थ में बोल देता हूं हिंदी में। इस किसी बच्चे ने भेजा अमेरिका से, बहुत अच्छे कंपनी के इंजीनियर है वो, या एप्पल कंपनी के मेमोरी उसने बनाई है। तो लिख करके भेजा उसने हमको, कहा कि महाराज जी हमको आपके कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं चाहिए। आजकल लगा के रखते, तलाश करते, क्या बात किया, कहीं से किया, आपके कंप्यूटर का मुझे लॉक नहीं चाहिए महाराज, नहीं चाहिए, आपके मोबाइल का भी लॉक नंबर नहीं चाहिए, हमको इतना ही चाहिए कि जब हम कोई बात पूछे तो हमको सच्चाई मिल जानी चाहिए। सच में यदि सच्चाई मिल जाए, ये कपट माने क्या होता है? कपट माने होता है, पट माने तो पर्दा ही है, कपड़ा ही है, पट नाम कपड़े का है, और सच्चाई पर जो पर्दा डाल दिया जाता है उसका नाम कपट है। इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए, संबंधों में कपट नहीं आना चाहिए।
अगर कपट की खटाई पड़ गई तो निश्चित रूप से संबंध नष्ट हो जाएंगे। और एक बार रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये प्रेम के संबंध महाराज इनको तोड़ने नहीं चाहिए, सजग रखो। अगर किसी कारण से टूट गया तो आप यदि उसको दोबारा जोड़ना चाहोगे तो वैसी तो जब जोड़ नहीं पड़ने वाली, गांठ पड़ने ही वाली है। ये महाराज इस प्रकार से चिंतन, भगवान शंकर अब वाम भाग में आसन नहीं देते, उनको सन्मुख आसन देते हैं और भगवान की कथा नारायण उनको सुनाते रहते हैं, जिनसे उनका कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि व्यथा को मिटाती कथा है। अगर कथा की औषधि मिलती रहे तो व्यथा नहीं होगी, व्यथा होती तभी है जब कथा की औषधि नहीं मिलती। बाद में महाराज इनको बहुत सा दुख है, क्योंकि पति ने परित्याग कर दिया है, उस दुख में अपने जीवन को बिता रही हैं। बोले महाराज भगवान शंकर बाद में तो और विलक्षण हो गया, ऐसा चित्त डूबा कि समाधि में चित्त चला गया, और समाधि में चित्त चला जाता है तो फिर बोलना बंद हो जाता है। समाधि में एकदम बैठ गए और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, बीते सम्मत सहस 87,000 वर्ष बीत गए, एक दो दिन नहीं, और भगवान की समाधि लगी रही। तजी समाधि शंभु अविनाशी। बाद में महाराज जो समाधि, उनकी समाधि टूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, महाराज इनके मुख से भगवान नाम निकला। और आपको बताएं, नाम निकलने में भी बहुत भेद होते हैं। राम एक शब्द है, कृष्ण एक शब्द है, किंतु कौन बोल रहा है इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रेमी बोलता है तो उसी उच्चारण में रस होगा, अनुरागी बोलेगा तो उसी उच्चारण में रस होगा। ये राम नाम स्मरण करने लगे, भगवती को पता कि जग गए हैं, आई सामने तो सन्मुख आसन दे करके उनको कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब उसके बाद चर्चा क्या घटती है, इसकी चर्चा अब हम 5-10 मिनट के बाद करेंगे। आप सब भजन का रस ले लीजिए। मैं तो विचार ये करता था कि 1 घंटे में 1 भजन करा दूंगा, किंतु ऐसा रस मिलने लगता है कि मैं भूल जाता हूं। इसलिए आप लोगों को तो हमको याद दिला दिया करो, वकील साहब अगर भजन सुनने का हो तो हमको याद दिला दिया करो। आप याद दिला दोगे, क्योंकि हम आपको ज्यादा देखते हैं, तो आप याद दिला दोगे तो हम तुरंत जान जाएंगे कि भजन करवाना है। नहीं तो आज तुम्हारा 2.5 घंटे हो गए, हमको पता ही नहीं चला कि 2.5 घंटे बीत गए। बाद में इन्होंने तो बीच में कुछ किया था कि शायद महाराज जी देंगे, किंतु हमारा चित्त इसमें डूबा हुआ था। आइए हम सब भजन का रस लेते हैं, उसके बाद शेष चर्चा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। घट घट मेरा साईया, खाली घटना को बलिहारी, उन घटन की जा घट पर घट होए। जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, गुण दोष से दृष्टि हटा कर, जग राम सिया मैं देखो,
गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो। आइए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए संकीर्तन का आनंद लेते हैं। से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो। दृष्टि हटा कर गुण राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो। 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 मन में विश्वास जमा कर विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 एक कहो ना मैं एक में एक कहो ना। जैसे आभू क्षण में सोना। जैसे आभू क्षण में सोना। है अनेक में एक कहो ना एक में एक कहो ना। जैसे आभूषण में सोना। जैसे आभूषण में जो क्षमता का भाव जगा कर क्षमता का भाव जगा कर जग राम सिया मैं देखो। क्षमता का भाव जगा कर जग राम सिया मैं देखो। 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 मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। जय सिया राम जय
सिया राम जय जय सिया राम 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 हरे जय सिया राम 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 वही सृष्टि है वही है सृष्टा वही दृश्य है वही है दृष्टा वही दृश्य है वही है दृश्य वही सृष्टि है वही है सृष्टा वही सृष्टि है वही है सृष्टा वही दृश्य है वही है दृष्टा वही दृश्य है वही है दृश्य गुरु ज्ञान का दीप जला कर गुरु ज्ञान का दीप जला कर जग राम सिया मैं देखो गुरु ज्ञान का दीप जला कर जग राम सिया मैं देखो 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 मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय हो सब का तन धारे जड़ के तन सब का तन हारे प्रगटे सीता राम हमारे प्रगटे सीता राम हमारे जड़ के तन सब का तन धारे सब भगते सीता राम हमारे भगते सीता राम हमारे रघु प्रेम में अश्रु बहाकर रघु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया मैं देखो रघु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया मैं देखो मन में विश्वास जमा कर राम सिया में देखो मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया में देखो गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम
सिया है देखो, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, से ताली बजते हुए जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय जय सिया राम। अपने अमित रूप प्रगटाए, अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छिप कर सामने आए, वही है छिप कर सामने आए, अपने अमित रूप प्रगटाए, अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छिप कर सामने आए, वही है छिप कर सामने आए, संग की गंध बहाकर संग की गंध बहाकर जगराम सिया है देखो, संग की गंध बहाकर जगराम सिया है देखो, जगराम सिया मैं देखो, जगराम सिया मैं देखो, जगराम सिया मैं देखो, जगराम सिया मैं देखो, मन में विश्वास जमा कर जगराम सिया है देखो, विश्वास जमा कर जगराम सिया गाइए, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। कटो मनमानी चंद्रेश कटो मनमानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, हो चंद्रेश कटो मनमानी, चंद्रेश कटो मनमानी, सिया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सीखी बाणी का कहे, सीखी बाणी का कहे, जग राम देखो, सीखी बाणी का कहे, गाइए सिया देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग राम सिया मैं देखो, जग
विश्वास जमा कर जग राम सिया में जीतो मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया में जीतो मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया में जीतो मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय हमने पुकारिए सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम 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 जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम हर जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम राघवेंद्र सरकार की हमारे भगवान शंकर मां अंबा जगदम्बा भगवती को सन्मुख बैठाल करके कथा सुना रहे हैं और हमारे श्री याज्ञवल्क जी महाराज ने बताया श्री भरद्वाज जी महाराज को इधर विधाता ने जब दक्ष को देखा कि ये योग्य हैं तो सती के पिता दक्ष को उन्होंने प्रजापति बना दिया। नारायण ये पद इंद्र से भी ज्यादा गरिमाशील है। इंद्र भले ही स्वर्ग के राजा है किंतु प्रजापति की कीमत इंद्र से ज्यादा है। जैसे मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रियों को जो अलग अलग विभाग मिलते हैं सब विभाग अपने में परिपूर्ण है, कोई रक्षा मंत्री बना दिया जाता है, कोई गृह मंत्री बना दिया जाता है, कोई रेल मंत्री बना दिया जाता है, किंतु इन मंत्रियों के अपेक्षा प्रधानमंत्री की कीमत ज्यादा है, प्रधानमंत्री की महिमा ज्यादा है। वैसे ही स्वर्ग आदि में जितने भी पद हैं उन पदों में श्री प्रजापति पद की बड़ी महिमा है। और जब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दक्ष को प्रजापति बना दिया तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष को जब बहुत बड़ा पद मिल गया तो उनके अंतकरण में अधिक अभिमान आ गए। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक मधुर टिप्पणी की है, इन भाई बच्चों को रोको क्योंकि हमारे वकील साहब की भी दृष्टि उधर ही जा रही है और श्रोताओं की भी दृष्टि उधर जा रही है। हमको तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि बच्चे अपना खेलते रहे, किंतु जब हमारा मेन ही श्रोता भड़क जाएगा तो फिर हमको संभालना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं तो हमको तो आप पर तो दृष्टि रखनी ही है, इसलिए आपकी दृष्टि उधर उधर जाएगी तो मामला गड़बड़ है। आप इधर भी देखोगे ना अपनी गृहिणी को तब भी मैं रोक दूंगा,
क्योंकि अब 9 दिन का विभाग तो हमारा है जी, 9 दिन का, उसके बाद छूट है आपको, चाहे इधर देखना चाहे इधर देखना, किंतु जब तक मैं सन्मुख हूं तो कम से कम मेरे को ही देखो भाई। नारायण में निवेदन कर रहा था कि पद जो होता है ये मद देने वाला होता है। अगर हम सजग न रहें, सावधान न रहें, तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, नहीं कोहु अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाही मद नाही। कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक जन्मा ही नहीं है जिसको पद मिलने के बाद मद न हुआ हो, प्रभुता मिलने के बाद। अच्छा, यहां पद शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रभुता किया, क्योंकि जितने लोग बड़े बड़े लोग पद पर बैठे, कई ऐसे लोग हैं जिनको कभी मद नहीं हुआ। कारण क्या है कि उनको प्रभुता का ही बोध नहीं हुआ। कई बार हम पद पर तो बैठते हैं किंतु पद की गरिमा हमको छूती नहीं है। हम कई लोगों को देखते हैं, विशिष्ट विशिष्ट लोगों को, कि छोटे से पद मिल जाए तो महाराज इतने गुरूर में भर जाते हैं, किंतु बड़े पद मिलने के बाद भी जिसको पद की महिमा नहीं है, अर्थात उसके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसको पाने का उसने कभी प्रयास नहीं किया। अगर महत्व होता तो पाने का प्रयास करता, और पाने का प्रयास करता तो तब मिलता तो उसको मद आ जाता। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं तो बहुत आदर करता हूं उस महापुरुष को जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने, अभी शरीर नहीं रहा, अब्दुल कलाम जी, महामहिम श्री अब्दुल कलाम को मैं तो दिल से सलाम करता हूं, उस महापुरुष को हृदय से वंदन करता हूं। कारण क्या है कि मैं उसका जीवन देखता हूं कि उसके जीवन में कभी राष्ट्रपति के पद की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं थी। अगर अभिलाषा होती तो वो भी उसके पीछे भागता, जिस पद पर बैठा था वो अपनी दृष्टि से बहुत महान था, किंतु पद काल में भी वो व्यक्ति बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों से बात करता था, और जीवन भर उनका जो जीवन रहा, मैं तो सच कहूं मुझे तो साधु भी उस पर निछावर करने का मन होता है। वकील साहब, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, जब मरा तो कहीं घर नहीं था उसका, कपड़े भी बहुत ज्यादा नहीं थे। यही तो साधु होता है, साधु कोई लाल कपड़ा पहन लिया थोड़ी साधु हो गया। ये सब कर्मयोगी लोग हैं। हम ऐसे लोगों को वंदन करते हैं, हृदय से सलाम करते हैं उनको, और साधु कोई जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, साधु साधु है। मजहब कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब में अच्छे बुरे लोग हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पद मिलने के बाद मद ना आए। और ध्यान रखिएगा, एक संस्कृत का बहुत सरल श्लोक है, थोड़ी भी संस्कृत आती होगी तो आप उसको समझ जाओगे, मैं उच्चारण करूंगा। अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोत यह। लेखक कहता है, अधिकार पद प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति उपकार नहीं करता है, ये जब भी हमको पद मिले, मानो किसी योग्यता के कारण कोई पद अपने को मिल गया, तो पद हमको मद से भरने के लिए नहीं मिला है, पद हमको सेवा के लिए मिला है। तो इस कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोत यह, अकारः तस्य लुप्यन्ते ककारो दुत्त जायते। अधिकार शब्द में अकार का कर दो, लोप हटा दो, तो क्या बचेगा? धिकार। और धिकार में जो ककार है उसको दो कर दो, द्वित कर दो, तो क्या हो जाएगा? धिकार। जो समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद समाज का उपकार नहीं करते हैं,
लोग समाज के फिर उसको धिक्कार ही करते हैं, कहां लोप जाए लोभ हो जाते हैं वो लोग, हमको पता ही नहीं चलता है। भारत के कई प्रधानमंत्री बने, हम उनको जानते हैं, किंतु आज उनका कोई नाम ही नहीं जानता, जिंदा है कि मर गए पता ही नहीं लोगों को, क्योंकि समाज के किसी काम में नहीं आए। समाज में एक ने तो आरक्षण के मारे में इतने बच्चों की हत्या करवा दी, भले कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बना किंतु उसके पद के मद में उसने जाने कितने बच्चों की हत्या कराई, राजस्व कितना नष्ट हुआ उसके प्रधानमंत्री काल में। तो पढ़ता था उस समय वाराणसी में, मुझे सारा स्मरण है। आज ये कहां गए कोई नहीं जानता, जैसे मच्छर मर गए वैसे हो गया। कारण क्या है कि इन्होंने पद का सदुपयोग नहीं किया। पद समाज जब देता है तो पद का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि अपने द्वेष में लगाना चाहिए। पुरानी रंजिश भी याद करके पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि पुरानी रंजिश के कारण ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कल मैं एक महापुरुष के बारे में सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम तो नाम नहीं लेते, हम तो इन लोगों को योगियों को वंदन करते हैं, चाहे किसी पद पर हो। हमको लगता है कम से कम ये राष्ट्र के लिए लगे तो हैं पद के अभिमान को छोड़ करके। तो कल मैं समाचार देख रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई, किसी नेता ने किसी नेता की कभी टिप्पणी कर दी होगी, निंदा कर दी होगी, और जब वो मिले तो स्वाभाविक है जिसने निंदा की थी उस महापुरुष के सामने कहा कि हमने कुछ कभी भावावेश में आपको कुछ बोला था, आपको बुरा लग गया होगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अरे उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है, हम लोगों को मिलकर के राष्ट्र का विकास करना है। हमको लगा ये दृष्टि होनी चाहिए, हमको बहुत खुशी हुई कल सुन करके। ये जो द्वेष में आकर पुराने समय हमको इसने ऐसा कह दिया था तो पद मिला है तो पहले इसको चकनाचूर कर दूंगा, पहले इसको मिटा दूंगा, ऐसे लोग स्वयं मिट जाते हैं, वो किसी को क्या मिटाएंगे। इसलिए पद में मद से मत भरो। ये व्यासपीठ गादी किसी पार्टी की नहीं है, इसलिए मैं पार्टी आल्टी कभी चर्चा नहीं करता हूं, इसलिए मैं महापुरुषों का भी नाम नहीं लेता हूं, नहीं तो लोगों को लगेगा बाबा जी उसी पार्टी का तो नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं है, जो राष्ट्र के लिए जीता है मैं उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे किसी भी देश का हो। जो हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, पार्टी कोई भी हो, मैं उसको वंदन करता हूं, उसका आदर भी हृदय से करता हूं। मुझे लगता है कम से कम मातृभूमि को प्रेम करने वाला कोई लाल तो है तो सही। अभी लोगों की अभी कम से कम खून पानी तो नहीं बना है, लोगों में भी जान है कि राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि पद मिलने के बाद यदि व्यक्ति मद से भरता है तो याद रखिएगा उसका अस्तित्व मिट जाता है, इसलिए उसको लोग धिक्कार करते हैं। इसलिए पद मिले तो उपकार की भावना हमारे जीवन में आना चाहिए। और ब्रह्मा जी महाराज ने जो दक्ष को प्रजापति बनाया तो प्रजापति बनते ही उसको पूर्व का महाराज अपमान स्मरण में आ गया। मैं तो सोचता हूं कितना अंधकार में जीने वाला व्यक्ति रहा होगा। ये 87,000 वर्ष तक तो भगवान शिव समाधि में रहे थे, और निश्चित है कि घटना इसके पहले की है ये, किंतु दक्ष को अभी वह भूला नहीं था। जो प्रजापति बना सब लोग इसके अनुचर बन गए, तो दक्ष लिए मुनि बोली सब करण लगे बड़ जाग। भारत के सभी महात्माओं को मुनियों को बुलाया और न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। जिन जिन को यज्ञ में भाग मिलता था उन सभी देवताओं को उसने आमंत्रित किया। अरे नारायण, देवताओं को ही आमंत्रित नहीं किया, किन्नरों को किया, नागों को किया, सिद्धों को किया, गंधर्वों को किया, और इतना आदर से उनको बुलाया
कि सबको सपत्नीक आना है, यज्ञ में कोई अकेले नहीं आएगा, सब सपत्नीक आएंगे और सबका यहां स्वागत होगा। अपनी पत्नियों को लेकर के महाराज सुर सब चल पड़े देवता लोग। विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। भगवान शंकर को छोड़कर के विष्णु भी ब्रह्मा भी ये सब महाराज वहां चले। और ये देवियां जब जा रही थी सज धज करके, मैं कई बार लोगों को एक निवेदन करता रहता हूं, और अपनी मात्र शक्ति को ज्यादा, क्योंकि समाज में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, तो मैं कई बार विचार करता हूं कि यदि मात्र शक्ति जागृत रहे तो समाज का हित बहुत होगा। बहुत बड़ा सामर्थ्य है इसमें। कई हमारी बहनें आकर के हमको कहती, महाराज जी हमारे माता पिता केवल मेरे पर अनुशासन क्यों रखते हैं, मेरे भाई को कुछ नहीं कहते, भाई कहीं घूमता जाता है मां डांटती नहीं है, मैं निकलती हूं तो डांट पड़ती है, मेरे साथ पक्षपात होता है। तो उन बहनों को मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि बेटा तुम रत्न हो, और कीमती रत्न को छुपाया जाता है, ऐसे नहीं बाजार में फेंक दिया जाता है। जिनकी कोई कीमत नहीं वो कहीं भी घूमते रहे। अब जरा विचार करना, आपके पास चांदी की अंगूठी हो तो आप कहीं भी छोड़ दोगे, किंतु आपके पास सोने की अंगूठी हो उसमें 50 लाख का हीरा लगा हो तो बार बार संभालोगे कि नहीं संभालोगे। तो जो जितनी कीमती चीज होती उसको संभाला जाता है। उसमें यह मत समझो कि हमारे ऊपर अनुशासन ज्यादा है, तो बहनों की कीमत ज्यादा है। मैं तो कई बार डंके की चोट से कहता रहता हूं, कोई बेटा बिगड़ता है तो एक कुल बिगड़ता है, और बेटी बिगड़ती है तो दो कुल बिगड़ जाते हैं, और दो कुल ही नहीं उससे हजारों कुल बिगड़ते हैं, हजारों कुल, क्योंकि उनकी संतान है, उनके परिचय में आने वाले बच्चे जहां जहां जाएंगे वो सब बिगड़े ही होंगे। इसलिए बहनों की ज्यादा कीमत है। तो मैं बार बार जब कोई बात माताओं को कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि उनकी कीमत ज्यादा है। अगर वो सुव्यवस्थित रहेंगे, वो संस्कारवान रहेंगे तो बच्चों को संस्कार मिल सकेंगे, बच्चों के जीवन में उन्नति के पथ पर वो अग्रसित हो सकेंगे। माताओं की भूमिका बहुत है समाज में, इतनी भूमिका है कि मैं कई बार प्रयास करता हूं तो बच्चों को दिशा देने का काम माताओं का ही है। ये ठनठन पाल लोग तो केवल पैसा कमा के लाते हैं, इनको कमाना आता है, संस्कार देना तो बहुत कम आता है लोगों को। ये मां ही गढ़ती रहती है बालक बालिकाओं को। तो मैं निवेदन कर रहा था, इन विचारों को जरा ध्यान रखिएगा। माताओं का कई बार स्वभाव होता है कि दूसरों को जलाकर थोड़ा सुखी होना। जैसे इनको पता चल जाए कि मोदी परिवार में कथा हो रही है, रामायण की कथा चल रही है और लोग आनंद ले रहे हैं, तो जैसे यहां से राम जन्म मना के जाएंगी जब ना, तो पता है कि किसी कारण से अमुक रिश्तेदार को निमंत्रण नहीं गया है, किसी कारण से छूट गया कुछ भी है, तो सबसे पहले फोन करके उनको पूछेंगी, बहन तुम नहीं आई, मैं तो 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी। अभी देखो ये आग लगाने का कारण है, इनको पता सब है कि निमंत्रण नहीं गया हुआ है। फिर वो बेचारी सामने से कहेगी क्या करूं, निमंत्रण नहीं आया, कमाल है तुमको क्यों बुला दिया, अमुक विवाह में मिली थी तुमको, सबसे ज्यादा इज्जत करते थे, क्या बात है। अच्छा पता सब है किंतु कुरेद करके पूछना है, ये बिल्कुल बात गलत है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना ठीक नहीं। कभी किसी के हृदय को मत जलाओ। आज मैं एक वाक्य पढ़ रहा था पूज्य श्री भाई जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, मैं तो आंखें नम हो गई हमारी। किसी ने मोम से पूछ दिया, मोमबत्ती में जो मोम लगी होती है, किसी ने मोम, ये कवि हृदय है, कवि हृदय तो किसी से बात कर लेता है, कवि हृदय जल में भी प्राण फूंक देता है। तो किसी कवि ने मोमबत्ती में लगे हुए मोम से पूछा
कि ऐ मोम, अंदर जलने वाला धागा जलता है, तुम पिघलती क्यों हो? जो जले वो पिघले, तुम क्यों पिघलती हो? तो मोम ने कहा कि जिसको हमने दिल में बसा रखा है वो जलेगा, तो क्या मैं पिघलूंगी नहीं तो क्या होगा? उसके विरह में तो पिघलना ही होगा। जिसको हमने दिल में बसा रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वाक्य, स्वाभाविक है जो हमारे दिल में होता है, यदि उसको कष्ट होता है तो मुझे कष्ट होता है। तो धागा तो हमारे दिल में है, अगर वह जलेगा तो स्वाभाविक है कि हमको पिघलना पड़ेगा। तो भाई बनना है तो दीप बनो, आप किसी के जीवन में आग लगाने का काम मत करो। इन वाक्यों से देखिए स्वर्ग की देवियों ने क्या किया, विमान पर आरूढ़ होकर के जा रही हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सुर सुंदरी करें कल गाना, और वो सुंदरियां गीत गा रही हैं, और ऐसा गीत गा रही, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना, बड़े बड़े महात्माओं के मुनियों के ध्यान छूट जाए, ऐसा गान। और हिमालय से जब वह गीत गाती हुई निकली, महाराज वैसे तो ऐसा प्रयास ही ठीक नहीं है, किंतु उद्देश्य यह था कि सती को जलाना है, क्योंकि उनको पता था कि सती को पता नहीं है। इनके पिता के घर में यज्ञ हैं, और सती ने जब विमानों को जाते हुए देखा तो आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने पूछा, आप लोग कहां जा रही हो ऐसे सज धज करके? उन देवियों ने मुस्कुरा करके कहा, रे तुमको पता नहीं क्या हुआ, बताओ तो सही। बोले, तुम्हारे पीहर में यज्ञ है और तुम्हारे पिताजी ने किया है, सभी देवताओं को मुनियों को गंधर्वों को निमंत्रित किया है। सती ने जो महाराज सुना, पहले से ही दुखित थी। एक तो दुख यह था कि पति ने परित्याग कर दिया था, और दूसरा दुख यह हुआ कि पिताजी के यज्ञ है बुलाया नहीं गया। बड़े भाव से पति के चरणों में गई और बोली सती मनोहर वाणी, बड़ी प्रेम भरी वाणी बोली। एक हमारे संत कहते थे, जो गई जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बड़े प्यार से सम्मान से बोले, बात क्या है आज ज्यादा ये मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? घर में जब काम होता है तब मक्खन बहुत लगता है, वकील साहब लगता है कि नहीं लगता? आपको तो पता ही है, और पहले से लगने लगता है महीने दो महीने से कि अभी आने वाली शादी अमुक उसमें लेना खरीदना है, तो ऐसे कहूंगी तो मना कर दिया जाए, तो पहले से मक्खन लगाते रहो कि मना ही ना हो पाए। बोले, आज ये इतना इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? बोले, कोई बात नहीं, रोज लगता है, आपको पता नहीं चलता है। बोले, बात तो कुछ है, तो भय संकोच प्रेम रस सानी, भय भी है संकोच भी है, और प्रेम रस में बड़ी हुई वाणी महाराज इन्होंने कहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई। ए प्रभु, हमारे पिता के यहां बड़ा उत्सव है, आप यदि कह आज्ञा करें तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। ए कृपा यतन, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस यज्ञ में शामिल हो जाऊं, मेरा बहुत मानस है। भगवान शंकर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, हमको भी खुशी होती जो आप जाती उसमें, किंतु मेरे मन में एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी नहीं लगी? उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है। दक्ष सकल ने जो सुता बुलाई, ससुर साहब ने अपनी सब बेटियों को बुलाया है, किंतु तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, और उसके कारण हम ही हैं, हमारे बैर तुम्हें बिछड़ाई, मेरे बैर के कारण तुम्हारा परित्याग कर दिया, तुम्हें भुला दिया। रामचरितमानस की बहुत अद्भुत गरिमा है, मैं तो उसको वंदन करता हूं। ये दुख की घटनाओं को बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करते। आप देखिए, एक दोहे में, एक चौपाई में काम पूरा।
ब्रह्म सभा हम सन दुख पा माना तेहिते अजहू करही अपमाना। घटना बहुत बड़ी है कि ब्रह्म सभा में दक्ष जी भगवान शंकर से नाराज हो गए थे और उसके कारण आज भी हमसे वो दुख मानकर हमारा अपमान करते रहते हैं। अब यदि ये घटना सुनाई जाए तो कम से कम एक दो घंटे चाहिए, किंतु इस घटना में अपमान की घटना है तो ज्यादा उसको कहने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, ध्यान रखना, भूत में जितनी घटनाएं दुखद घटी हों उन घटनाओं को बहुत ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखद घटनाओं को याद करोगे तो वर्तमान में भी दुखी हो जाओगे, क्योंकि जब घटना को हम याद करते हैं तो उसे जीते हैं और जीते हैं तो निश्चित रूप से हम दुखी हो जाते हैं कि दुखद घटना है तो उसको हमको जीना नहीं है। भागवत आपने कई बार सुनी होगी, भागवत में विस्तार से कथा का वर्णन भी है कि एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, उसमें सब लोग बैठे थे और जब दक्ष जी आए तो सब लोग खड़े हो गए, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। दक्ष जी को अपमान लगा, उन्होंने भगवान शंकर को बहुत गालियां दी और कठोर कठोर वाक्य भी नारायण बोले, भगवान शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। आप देखेंगे वहां कोई जवाब है ही नहीं, यहां तक कहे कहा कि मरकट लोचन है, मृग सावाक्षी कन्या का विवाह मैंने इस बूढ़े बाबा के कहने पर इसके साथ कर दिया, किसी कंपनी का पाउडर नहीं मिलता तो मुर्दे की राख लगाता रहता है। मनज गांव वालों को क्या पता, जैसे शहर वाले ना पाउडर लगाते हैं तो जैसे गांव वाले लोग सोचते होंगे शायद भर में कि राख लगाने से गोरा पाउडर राखे जैसे तो लगता है। हमारे एक महात्मा सुनाते थे रामायणी कि एक गांव के बेटे महाराज बच्चे, आज तो गांव में भी सब जगह विकास हो गया, सब जान गए, टीवी पहुंच गई, ये पहले की घटना रही होगी, किसी गांव के बालक का विवाह शहर की लड़की से हो गया और लड़की जब आई तो उसका छोटा देवर शाम को बैठा था और वो श्रृंगार कर रही थी तो क्रीम लगा रही थी, तो छोटे बच्चे ने कहा कि भाभी भाभी ये क्या लगा रही हो, तो बोले क्रीम है, तो कहा हमको भी दो, तो उस भाभी ने थोड़ा हाथ में क्रीम दिया तो उसने चाट लिया, उसने सोचा मक्खन है ये, तो जो चाटा तो भाभी ने एक चाटा लगा दिया और भाभी ने चाटा लगाया तो रोता रोता भाई के पास गया, बोले भाभी ने हमको मारा, तो उसका हाथ पकड़ कर लेके आया, क्यों इसको मारा, क्या बात है, तो उसने बताया कि मैंने इसको क्रीम दिया लगाने को और इसने चाट लिया तो भाई ने दो चाटा उसको और मारे, तो उसने कहा कि आपने क्यों मारा हमको, बोले बाबरे तुझे पता नहीं है क्रीम जब मिले तो रोटी में लगा के खाना चाहिए कि ऐसे चाट जाना चाहिए, वो तो रोटी में लगा के खाना चाहिए, रोटी में लगाने की चीज है। तो महाराज गांव के वालों को तो लोगों को पता नहीं होता ना कि कहां क्या चीज लगाई जाती है, अपने राम को तो स्वयं हम भी गांव के पैदा हुए हैं, हमने तो कभी अभी तक कोई क्रीम नीम लगाई नहीं थी जीवन में, कभी कोई क्रीम नहीं लगाई, ना कोई क्रीम, ना सरसों नारियल के तेल को छोड़कर कोई तेल, भले दुनिया में घूमते रहते किंतु अभी भी उसकी रुचि नहीं थी एकदम। 42 देशों में भगवत कृपा से कथा की और भारत का शायद ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां कथा न की हो, और ईश्वर की कृपा से करते ही रहते हैं, किंतु इन चीजों के प्रति महत्व तो नहीं है। तो दक्ष ने कहा किसी कंपनी का पाउडर मिलता नहीं बावरे को और ये मुर्दे की राख लगाता है, सोचता है कि मैं गोरा हो जाऊंगा, ये राख लगाने से क्या होता है, और कहा देखो तो सही उधम ऐसा मचाने वाले भूत प्रेतों का संग करता है। ये सब गालियां देने के बाद भगवान शंकर बिल्कुल शांत है और आज के बाद तुमको सभा में बुलाया नहीं जाएगा। भगवान शंकर वहां भी शांत रहे और विचार किया जहां हो खटपट वहां से चल पड़ो झटपट। भगवान शंकर तो वहां से निकल कर आए, किंतु बंधुओं ध्यान रखना भगवती को आकर के कभी कुछ कहा नहीं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। आप लोग ईमानदारी से बताना कि ससुराल में साला या ससुर आपका अपमान करें, वहां आप तो चाहे भले कुछ न बोलो किंतु घर में बोलती बंद रहेगी,
तेरे बाप ने ऐसा कहा, तेरे भाई ने ऐसा कहा, अब तेरा भी कुछ लगता है, बाप बा क्यों चिल्लाता है भाई, पहले केवल मेरा बाप था, अब तेरा भी बाप है। महाराज ऐसे बोलते हैं, कुछ पूछो नहीं। मैं कई बार लोगों को विचार करता हूं और कहता रहता हूं कि भगवान न करे शंकर जैसा किसी का परिवार हो, ऐसा परिवार किसी का ना हो, जन्मजात दुश्मन एक जगह रहते हैं। आप कहोगे कैसे, भगवान शंकर का वाहन है बैल और मैया का वाहन शेर, शेर का सबसे प्रिय भोजन बैल है, उसके लिए जी जान लगा करके युद्ध करता है वो शेर, कैसे भी मिल जाए। और गणेश जी का वाहन चूहा और भगवान शंकर के आभूषण सर्प, सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, जैसे कलकत्ता वालों के यहां वालों को संदेश प्रिय है ना, तैसे सर्प को चूहा प्रिय है, उतनी प्रेम से खाता है। और दूसरी ओर दृष्टि डालो, हमारे श्री कार्तिकेय जी का वाहन मोर और भगवान शंकर के आभूषण सर्प, सर महाराज मोर का प्रिय भोजन सर्प है, हमने कई बार देखा है जंगलों में कैसे पकड़कर शिकार, बिजदर सर्प को भी खा जाता है मोर और नचा नचा करके उसको मारता है। ये जन्मजात दुश्मन एक जगह रहते हैं किंतु कभी झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा क्यों नहीं होता, क्योंकि मुखिया भगवान शंकर जैसा है, घर का मुखिया भी ऐसे ही होना चाहिए, सुने सबकी और कहे न किसी को। आजकल लोगों की हम हाजमा शक्ति बहुत बिगड़ रही ना रहे, हमको कुछ बात हजम नहीं होती है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो जब तक उसके विपक्षी को बता नहीं देंगे तब तक शांति नहीं मिलती, किसी ने किसी बहाने से बता दे, ये हाजमा शक्ति कमजोर है। अरे बाबा हजम करना सीखो, सब बातें बोलने की हैं क्या कि सब कुछ बोल दें, जो जो कहा है उसने। भगवान शंकर ने नारायण बिल्कुल भगवती को नहीं कहा था, अब भगवान शंकर ने कहा, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी। अगर बिना बोले जाओगी भगवती तो एक बात होगी, न सील रहेगा न स्नेह रहेगा। ये कानी माने, कान माने मर्यादा है, ये कानी माने एक आंख वाली, मत समझ लेना। कई लोग महाराज रामायण के ऐसे ऐसे अर्थ करते, हम सुनते तो हंसते हैं, अब उन विचारों को पता ही नहीं कि अब पढ़े लिखे तो हो, शास्त्र चिंतन किया हो तो अर्थ लगा सके, तो अब सुन लिया तो बोले कानी, तो माने जिसके एक एक आंख ना हो कानी, कान माने मर्यादा है। तो यदि तुम वहां जाओगी बिना बुलाए तो मर्यादा नहीं रहेगी, स्नेह नहीं रहेगा और सील नहीं रहेगा, ये तीन की हानि हो जाएगी। वैसे नियम तो यह है कि मित्र और प्रभु पिता गुरु का घर हो तो वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं है, जाए भी नहीं बोले उन्हें संदेहा, वहां बोलने की जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए आप जा सकते हैं। किंतु तदपि विरोध मान जहां कोई, यदि इन स्थानों पर चाहे के पिता का घर हो, चाहे मित्र का घर हो, चाहे गुरु का स्थान हो, अगर इन स्थानों में कोई तुमसे विरोध मानता है तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। बहुत बार महाराज समझाया किंतु इनको समझ में नहीं आया, तब हमारे भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि कोई भावी है, प्रबलता है, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं बाली भात हमारे भाई, हमारे मन से तो यह है कि तुम मत जाओ। किंतु महाराज भगवती का तो जाने का मन, और मैं कई बार लोगों को कह देता हूं, ग्रस्तों को, यदि पीहर जाने का मन हो वकील साहब तो रोक मत लगाना, और 7 साल यदि न हुए हो तो बिल्कुल मत रोक लगाना। अब वकील साहब भाषा समझ जाएंगे, 7 साल अगर 7 साल के बाद हुए थोड़ा बहुत बच जाएंगे कम से कम केस से, और अगर जल गई कहीं बिना गए तो हम तो कहते अगर जलना हो तो वहीं जाके जले, कम से कम यहां तो न जले, यहां तो बच जाएंगे, तेरे घर में तेरी बेटी जली, तू जाने भाई मैं क्या जानू। तो महाराज भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा हो, और महाराज पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास काहू न सनमानी, ये तो पिता के भवन की ओर चल पड़ी। वैसे तो भागवत में वर्ण यहां भी संकेत किया गया, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरार, मुख्य मुख्य गण दिए। और शिव पुराण में तो वर्णन है 60,000 सैनिक दिए, एक दो नहीं, और वृषभ पर सवार होकर के गई। मैं कई बार लोगों को कहता हूं सिंह पर सवार होकर के जाती तो खतरा कम था, ये वृषभ पर सवार होकर गई। कारण क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। तो ये श्रद्धा स्वरूपा यदि सती यज्ञ में जाए तो साथ में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। धर्म में केवल अगर श्रद्धा जाती है और विश्वास नहीं होता तो श्रद्धा जलकर राख हो जाती है। इसलिए धर्म में श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए। अगर श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा टिकाऊ नहीं होगी, बहुत देर तक नहीं टिक सकेगी श्रद्धा, क्योंकि विश्वास साथ में नहीं है। इसलिए यज्ञ आदि क्रिया में जब भी जाना हो तो श्रद्धा के साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। ये बिना विश्वास के श्रद्धा गई हैं। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां जब महाराज इनको मिली तो हृदय से लगा करके कहा, बेटा अच्छा हुआ तू आ गई, तू नहीं आई थी तो घर सूना लग रहा था। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं, बहनों को कहता रहता हूं कि आप नाराज मत होना, भाभियां चाहे कितनी अच्छी हों, जिस दिन मां चली जाएगी उस दिन पीहर गया, मां से ही पीहर है। और चाहे कितने दिन हो जाएं ब्याह के, हमको कई माताएं ऐसी परिचित है कि अभी हमने उनके विवाह की महाराज 50वीं वर्षगांठ में कथा सुनाई, तो आप समझ सकते 70 साल की तो होंगी, किंतु उनकी मां भी हैं अभी। और जब मां मिलती है तो खाली हाथ नहीं तो छोड़ती है अपनी बेटी को। पर हम देखते हैं मां बेटी की जब मुलाकात होती है बड़ी रसीली, दोनों अलग होते हैं तो रोकर अलग होते हैं, क्योंकि मां का स्थान तो महाराज मां का स्थान है। और बेटी चाहे कितने धनाढ्य घर में ब्याही गई हो किंतु अलग होती है तो निश्चित रूप से मां को पीड़ा होती है। बहनें तो मिली इनकी किंतु मुस्कुराती हुई व्यंग कसती हुई मिली। एक बहन ने कहा, कहो सती देरी से कैसे आई, कहां है तुम्हारे वृष केतु जी, बताओ तो सही। दूसरे ने कहा कि देरी से क्या है, निमंत्रण ही नहीं मिला। तीसरे ने कहा, बिना बुलाए आई है। महाराज बड़े व्यंग कसे बहनों ने। और जब मां से पूछा पिताजी कहां हैं, तो बोले यज्ञशाला में। और महाराज जब वहां गई, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। यज्ञशाला में गई तो दक्ष ने कुशलता तो पूछी नहीं कि कैसी हो बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी, कोई कुशलक्षेम नहीं। और देख करके और कुपित और हो गए, आंखों से उनके मुखारविंद से पता चल गया। और जब उन्होंने देखा महाराज कि कहीं भी भगवान शंकर का स्थान नहीं है तो बहुत पीड़ा हुई। पहले से दुखित तो थी ही पति के परित्याग से, फिर यहां अपमान व्यंग से महाराज अब बड़ा उनको कष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया कि अब शरीर रखना नहीं है, क्योंकि हमारे पति को भी इस शरीर से अब प्रेम नहीं है और इस शरीर से भेंट भी नहीं है, तो इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। और भगवान शंकर के अपमान के कारण शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। भगवान शंकर का अपराध इनको सहा नहीं गया। सकल सभी हटी अटकी तब बोली बचन सक्रोध, सबको डांटती हुई सभासदों को क्रोध में आकर भगवती ने कहा, अरे सभासदों सावधान, यहां जितने मुनि जन बैठे हुए हैं, जिस जिसने भगवान शंकर की निंदा की है और जिस जिसने सुना है सबको फल भोगना पड़ेगा। करने वाले को भी कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिसने शंकर की निंदा सुनी और जिसने निंदा की वो सबको फल मिलेगा। और पिताजी को भी कहा कि तुम्हें भी पछताना पड़ेगा, तुमने क्या समझा है,
अरे ऐसे भगवान शंकर का तुमने अपराध किया, मंदमति हो, जिनकी आराधना सब लोग करते हैं उनको तुमने उपेक्षित कर दिया, तुम्हारे द्वारा मिला हुआ शरीर हम नहीं रखेंगी। और महाराज ये संकल्प करके योगाग्नि जलाई, यज्ञाग्नि के समान समय पास में, और सती महाराज ने अपना शरीर परित्याग कर दिया। सती मरण सुनि संभुगन लगे करण मख खीस। जब गणों को पता चला तो यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु ने ऋभु नाम के देवता प्रकट करके यज्ञ की रक्षा कर ली। बाद में जब भगवान शंकर को पता चला तो वीरभद्र को भेज करके यज्ञ विध्वंस करा दिया नारायण। और इसमें दक्ष का भी शरीर छूट गया, गर्दन काट दी गई। बाद में भगवान शंकर ने इस यज्ञ को पूरा करवाया है। और सती जब शरीर का परित्याग कर रही थी नारायण, सती मरण मरत हरि सन बरु मांगा, हरि से बर मांगा था, जन्म जन्म से पद अनुरागा, जन्म जन्म में हमारा अनुराग हमारे पति के चरणों में ही हो, इसके कारण महाराज ये हिमगिरि में हिमालय के घर में आकर के जन्म महाराज लिया है इन्होंने। पार्वती उनका नाम पड़ा है। बाद में यही भगवान शंकर की अर्धांगनी बनी है। जब से हिमालय के आए तो हिमालय का गौरव बढ़ गया है और सब आनंदित हैं। देवता ऋषि गंधर्व किन्नर, हिमालय की महाराज ऐसी महिमा बढ़ गई भगवती के आने के बाद कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, आपस में किसी का कलह नहीं है, सब ने वैर का परित्याग किया। ये भगवती का अनुग्रह है, भगवती की कृपा है। बाद में महाराज कैसे इनका प्राकट्य होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल की कथा बहुत रसीली है। प्रारंभ में शिव जन्म अपने भगवती के जन्म की चर्चा होगी, उसके बाद इनके तप की चर्चा, भगवान शंकर के विवाह की चर्चा, और ये दंपत्ति बनकर के नारायण कैसे सत्संग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे भगवती प्रश्न पूछती है और भगवान शंकर कैसे राम जन्म के हेतु सुनाते हैं। और हेतु के बाद कल ही हम लोग सायंकाल धूमधाम से हम लोग राघव का जन्म मनाएंगे। तो आप लोग जन्म में सब आमंत्रित, जन्म का आनंद लीजिएगा। कल निश्चित रूप से इसी समय लगभग 7 बजे हम लोग राम जन्म का उत्सव मनाएंगे। खूब बधाइयां होंगी और खूब नृत्य होगा। आप लोग भूल जाएंगे कि कोरबा में है अथवा अवध में है। तो अवध में, वैसे तो हमारे अवध के लोग वो तो जैसे होते हैं वैसे आ जाते हैं, उनको सजने धजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह शहर के लोग पहले से सजे धजे रहते हैं। गांव के लोगों को उत्सव में सजने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग उत्सव मनाने के लिए उत्साह से भरकर आइएगा। कल हम लोग राघव का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल कथाएं बहुत रसीली हैं और श्रद्धा का कैसा स्वरूप होना चाहिए हमारे जीवन में, जिससे हम भगवान श्री राघव के जन्म को समझ सकें, वह कैसी विलक्षणता है वह आपको कल सुनने को मिलेगी अनेक चरित्रों के माध्यम से। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, अब हम सब मिलकर के श्री राघव का ही ये विग्रह है, रघुनंदन का ही ये विग्रह है, राजा राम का ही ये विग्रह है, वांग में स्वरूप श्री रामायण। तो रामचरितमानस की आरती हम श्री राघव के रूप में ही, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में ही, राजा रामचंद्र के रूप में ही हम निहारते हुए इस ग्रंथ की बहुत मधुमयी आरती का आनंद लेंगे। उसके बाद आप सब प्रसाद आदि लेते हुए प्रस्थान करें। अब हम सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से हमारी प्रार्थना आप सबसे है, आरती की थाली हम इतनी नहीं बना सकते कि सबके हाथ में पहुंच सके, इसलिए जो विधान है एक दो आरती रहेंगे, एक माताओं की तरफ एक हमारे बंधुओं की तरफ। तो जिनके हाथ में आरती का पात्र पहुंच जाए वह तो पात्र से आरती कर लें, और जिनको पात्र न मिल पाए वो अपने मन का ही पात्र बना करके, मन की ही आरती बना करके हमारे श्री राघव को निहारें, राघव की आरती उतारें। खींचातानी न करें आप सब, बहुत शांति से, क्योंकि राघव